और इस वक्त है बाजार में भरपूर एक्शन, और ये एक्शन की करते हैं हम शुरुआत। मजबूती के साथ ट्रेड होता दिख रहा है, लेकिन बाजार अब आखिरी डेढ़ घंटे में किस तरफ बढ़ेगा, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक ट्रेड हो रहा है बाजार में, एक बार फिर से थोड़ी वॉलिटिलिटी देखी है, बट बाजार होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाजार पर, अनिल जी से जानेंगे। किन स्टॉक्स पर एक्शन है ये भी चर्चा करेंगे, और हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय भी लेंगे। तो सर, ये सारी चर्चा करें उससे पहले बता दीजिए, इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या है। निफ्टी में अच्छा खासा उतार चढ़ाव है, लेकिन है सीमित दायरे में, बहुत बड़ी रेंज नहीं, लेकिन इस रेंज के बीच में बाजार लगातार ऊपर नीचे होता दिख रहा है दीप। और इस वक्त अगर आप देखें तो 10,100 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको निफ्टी, और इसी 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे की रेंज में बाजार में ज्यादातर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 21,000 के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आती है, लेकिन अब भी बैंक निफ्टी में लगभग 125 अंकों की तेजी है, 20,850 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जब से हमने ये बुलेटिन शुरू किए थोड़ा सा बाजार नीचे आते हुए दिखे, हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन वही है, जब तक आप ये सोचे कि प्रॉफिट बुकिंग आई और आप मूड बनाए मंदी का, तब तक बाजार वापस रिकवर भी करते हुए नजर आते हैं। तो देखना ये होगा आखिरी डेढ़ घंटे में इस तरह का एक्शन रहता है या कुछ अलग। रियल एस्टेट और आईटी शेयरों से आज अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। टीसीएस बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, हैट्रिक बनी है तेजी की लगातार, तीसरे दिन 3 महीनों की ऊंचाइयों पर भी टीसीएस का स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो आज टीसीएस ने दिया है निफ्टी को सहारा, और जो बाजार टिके हुए हैं, ज्यादा कमजोर नहीं हो रहे हैं, उसमें टीसीएस का बड़ा योगदान है। आरबीएल बैंक यहाँ पर शेयर में तेजी जारी है, 10% का ऊपरी सर्किट लगा है और उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये शेयर, यहाँ बेहतरीन मजबूती बनती हुई दिख रही है, कल की तेजी को और आगे बढ़ाता हुआ। यूरोपीय बाजारों में 0.5% से ज्यादा की बढ़त पर शुरुआत हुई है, और डाउ फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये है अब तक की बड़ी बातें दीप। बिल्कुल अनिल जी, ये है अब तक की बड़ी बातें। और सर, 2 हफ्ते पहले वेडनेसडे के ही दिन, मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले, हमने देखा था बाजार में एक बहुत बड़ा उछाल आया था, और वहां से एक अप ट्रेंड ही रहा है। अब इस हफ्ते के पहले 3 दिन तो हमने देखा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं, आखिरी घंटे में सबसे ज्यादा एक्शन होता है सर। तो बताइए आखिरी घंटे के लिए आज का क्या सेटअप लग रहा है, लगता है कि 10,100 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर पाएगा, डिफेंड कर पाएगा 10,100 को, और 20,900 या फिर 21,000 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है। दीप देखिए, बेसिकली निफ्टी के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज है वो 10,000 से 10,200 के बीच की निकल कर आती है, तो उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। तो 10,000 से 10,200, जब तक 10,200 के ऊपर निकल कर ना टिके तब तक तेजी बड़ी बनेगी नहीं, और जब तक 10,000 के नीचे ना जाए तब तक मंदी का माहौल बनेगा नहीं। तो ये दो लेवल है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निफ्टी बैंक का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि 20,500-20,650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ऊपर की तरफ 21,050-21,200 ये बड़ा रेंज है जहां पर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस रेंज पर आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, एक रेंज पर फोकस करना चाहिए। द्वारे के शुगर, इसके नतीजे आ रहे हैं, एक बार क्विकली देख लेते हैं कि किस तरह के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे में अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है, 32 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 44 करोड़ हो गया है, और आय को देखें तो डबल से भी ज्यादा बढ़ी है इस क्वार्टर में, 211 करोड़ से बढ़कर आय 462 करोड़ हो गई है। तो काफी मजबूत नतीजे आते हुए दिख रहे हैं जहां तक द्वारे के शुगर का सवाल है, और अच्छा क्वार्टर रहा है। मुनाफे में तो बढ़त है, बट आय में इतनी शानदार बढ़त हुई है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे नतीजे रहे हैं इसके। कुणाल जी अगर हमारे साथ हैं तो एक बार कॉल ले लेते हैं कुणाल जी पर इस स्टॉक से। एक स्पाइक भी आ रहा है नेचुरली, क्योंकि काफी मजबूत नतीजे आए हैं। कुणाल जी, द्वारे के शुगर छोटा स्टॉक है शुगर पैक से, बट शानदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, 10% का उछाल स्टॉक में। देखिए, एक ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु, मुझे लगता है कि सर्किट फ्रीज पर है, लेकिन जिस तरह का यहाँ स्ट्रक्चर है, आपको एक ब्रेकआउट 22 रुपए के ऊपर होता हुआ दिखा है, और अब क्योंकि 22 के ऊपर अगर आज ये क्लोज दे देता है तो फिर आपको 27 तक की एक जगह मिल जाती है, 27 पर अगला हर्डल है, तो मुझे लगता है कि और यहाँ से 4-5 रुपए की तेजी बन सकती है, जो परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ी हो सकती है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है उन्हें होल्ड करना चाहिए। अब नई खरीदारी का तो आज अवसर नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि फ्रीज लगा हुआ है, लेकिन अगर मौका मिले तो खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 26.50 रुपए तक के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिखने को मिलेंगे।
बिल्कुल, एक दो एडजस्टमेंट्स भी हैं जिनकी वजह से मुनाफे की पिक्चर और भी अच्छी लग रही है, बट अगर आप उसको निकाल भी दें तो जिस तरह से सेल्स बढ़ी हैं, जिस तरह से ऑपरेशनल रेवेन्यू इनके बढ़े हैं, उस तरह से आप देखें तो फिर काफ़ी शानदार नतीजे आए हैं दौरे के शुगर के। थोड़ी और इस पर ब्रेकडाउन देखेंगे नंबर्स का, बट अच्छा रिएक्शन भी आ रहा है स्टॉक का इस खबर पर। चलिए, ये तो रहे दौरे के शुगर के नतीजे, कई सारे और नतीजे आने वाले हैं वायदा कारोबार से। ऑफकोर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिस पर हमारी नज़र है और कैसे नतीजे आते हैं वहां पर भी बात करेंगे। चार्ट कॉर्नर में आज सुबह इंडिया बुल्स हाउसिंग पर बात हुई थी और वहां पर देखिए एक अच्छी तेजी आ रही है। बंसल जी, आपका लगातार कन्विक्शन बना रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग पर, 157 के लेवल्स पर आ गया, 10% का वायदा कारोबार का भी सर्किट इस पर लगा हुआ है। मुनाफा बुक करना कर लेना चाहिए या फिर लग रहा है 162-170 के जो टारगेट दिए थे अभी भी आएंगे? पांचु, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर मुनाफे की पाचन शक्ति बढ़ानी चाहिए और जल्दबाजी में मुनाफा बुक नहीं करना चाहिए। निफ्टी वोलेटाइल जरूर हो रहा है, बट यहाँ पर 168 से लेकर 172 के टारगेट के लिए मेरी राय होल्ड करने की होगी। बिल्कुल, तो बने रहें, इसमें कोई परेशानी नहीं है जहां तक इंडिया बुल्स हाउसिंग का सवाल है। अच्छी रैली आ रही है, हालांकि दोनों तरफ के ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं इस समय पूरे के पूरे एनबीएफसीज में, पर फिर भी यहां पर आप अच्छे मूव्स देख रहे हैं। वागले साहब, अशोक लेलैंड पर आपकी राय, कल थोड़ी मुनाफा वसूली हुई थी बट आज फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया है, जितनी कल लॉसेज आए थे वो पूरा रिट्रेस कर दिया है, 53 के लेवल्स पर आ गया, अभी भी अच्छी लग रही है इसकी चार्ट सर? दीपांशु, पोजिशनली अच्छा है, लेकिन मैं कहूंगा इसको जब तक 55 के ऊपर नहीं निकलता है मोमेंटम नहीं आएगा। तो अगर आज आप कोई ले रहा है तो 55 के ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, लेकिन 55 के ऊपर जब निकलेगा तो फिर सीधा 60-62 एक या दो दिन में आएगा। तो मोमेंटम आपको पकड़ना है तो 55 के पार ही लीजिए। ओके, मोमेंटम अगर चाहिए तो 55 के पार ही लीजिए, अभी मत लीजिए। हालांकि मूवमेंट आपको काफी अच्छे आते दिख रहे हैं इस स्टॉक पर। वागले जी, आपने आज फर्स्ट ट्रेड में आखिरी कॉल दिया था टीस का, वहां से भी स्टॉक की गेन्स बरकरार हैं, लगभग उन्हीं लेवल्स के पास वापस आता हुआ दिख रहा है स्टॉक। लॉन्ग पोजिशन मेंटेन करें सर टीसीएस में, लग रहा है कि आज के ट्रेड में या फिर कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए इसको? दीपांशु, बिल्कुल, पिछले चार दिनों का हाई इसने जो कंफर्ट से तोड़ा है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं अभी भी लेना चाहिए क्योंकि बड़ी वाली मूव आई नहीं है, सिर्फ 2.2% ऊपर है। तो भले आज जाएगा या मे भी अगले एक दो दिनों में आएगा, मुझे लगता है TCS कम से कम एक 40-50 रुपए की मूव यहाँ से 2-3 दिनों में दे सकता है। और आपकी ऑन द डाउन साइड रिस्क सिर्फ 20-22-25 रुपए है जो 1% है, तो 1% रिस्क 3-4% रिवॉर्ड, ये गेम, ये ट्रेड सेटअप बिल्कुल बैठता है। बिल्कुल, तो ट्रेड सेटअप बिल्कुल बैठता है वहां पर, नजर रखे टीसीएस पर, वहां पर भी आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। किरण जी भी हमारे साथ हैं। किरण जी, कल टाटा एलेक्सी की बात करी थी, मूवमेंट अच्छा आया, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई, आज फिर से मूवमेंट दे रहा है और जिस तरह से आईटी पैक में चुनिंदा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, टाटा एलेक्सी पर बाय कॉल मेंटेन रहेगा सर? आपको लगता है अभी भी 900 के लेवल्स आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना है कि, पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून दीप रानी जी, और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, और थोड़ा जैसे अनिल जी ने कहा भूला बिसरा स्टॉक हो चुका है ये, पर अभी अगर हम पिछले 10-15 दिन का डेटा देखते हैं तो बहुत अच्छी डिलीवरी मार्किंग हुई है। मेरा टारगेट जो पहला था 900, जहां पे रिव्यू लेना चाहिए उधर रिव्यू लेंगे, उसके पहले बेचने की जल्दबाजी ना करें। 835 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अभी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और 900 के यहाँ पे रिव्यू लेंगे उधर बेचने की बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है एक बार 900 का लेवल निकल जाए तो फिर मुझे लगता है 950-975 के भी लेवल्स देखने में मिल सकते हैं, तो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। बिल्कुल अच्छा चार्ट पैटर्न है और देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, जैसे किरण जी ने इसके बारे में बात करनी शुरू करी, 4.5% की गेन आपको टाटा एलेक्सी में आती हुई दिख रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करें, उससे पहले जान लेते हैं किन इवेंट्स पर बाजार की नजर है आज, कल और परसों, बताने के लिए मानसी तैयार है। गुड आफ्टरनून मानसी।
गुड आफ्टरनून दीपांशु. आज से लेकर शुक्रवार तक एक लंबी लिस्ट है इवेंट्स की जिस पर हमें फोकस करना है. सबसे पहले तो आज के लिए यूएस फेड की दो दिवसीय बैठक का दूसरा दिन है और आज रात ही इसका फैसला आने की संभावना है. पॉलिसी में बदलाव की संभावना यहां पर कम जताई जा रही है. नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार की तीन कंपनियां सेंचुरी टेक्सटाइल, MGL, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के नंबर्स आते हुए दिखेंगे. कल की अगर बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और साथ ही इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के एनुअल प्लेनरी सेशन में पीएम मोदी अपना संबोधन देने जा रहे हैं. 11 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सेशन होता हुआ हम देखेंगे. इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल की बोर्ड मीट भी कल होने वाली है. इंडस टावर के साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर इस बोर्ड मीट में फैसला आता हुआ दिखेगा. SBI फॉरेन बॉन्ड इश्यू मामले में एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला कल आने वाला है जिस पर फोकस रहेगा और साथ ही यूएस में साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी जो कि कल आते हुए दिखेंगे. रिजल्ट्स कल कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करेंगी. आईडी पेरी, तानला सॉल्यूशन, रेडिंगटन, डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के नतीजे पर फोकस रहेगा. और अंत में शुक्रवार का दिन काफी लंबा दिन रहेगा ट्रिगर्स के लिहाज से क्योंकि कई सारे इवेंट्स हैं और इसमें बोर्ड मीट्स भी हैं, रिजल्ट्स भी हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस भी हैं. शुरुआत GST काउंसिल की बैठक से ही करेंगे. सभी तरीके के GST रिटर्न की तारीख बढ़ाने पर इस बैठक में फैसला किया जा सकता है. काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इस बैठक में हो सकते हैं तो नजर रखनी है इस पर. ब्याज माफी पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई भी शुक्रवार के दिन होने जा रही है. आयशर मोटर्स की शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक है और नतीजे भी आते हुए दिखेंगे. मार्च रिटेल इन्फ्लेशन और फरवरी IIP के आंकड़े भी 12 जून को आएंगे. बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला 12 जून को आता दिखेगा. फ्रैंकलिन टेम्पलटन केस में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई इसी दिन होने जा रही है. रिलायंस राइट इश्यू पर अपडेट है. 12 जून को शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट होते हुए दिखेंगे. हेक्साबेयर वॉलेंट्री डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पर 12 जून को एक बोर्ड बैठक होने जा रही है. साथ ही यूएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स के डेटा भी हमारे सामने होंगे. नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस की कंपनियां आयुष मोटर, हिंडालको और महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स पर फोकस रहेगा. ओके, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन आपको देखने को मिल रहा है. आइए हमारे साथ कुछ ही देर में भसीन साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनसे भी हम उनकी बेहतरीन पिक्स लेंगे और कुछ अपडेट भी. लेकिन उससे पहले एक अपडेट दीप मैं देना चाहता हूं और वो RBL बैंक पर है जो जहां पर हमने सुबह शॉर्ट कॉल दिया था 247 से 251 की रेंज में और 255 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस बोला था. माफ कीजिएगा, 147 से 151 की रेंज में और 155 का स्टॉप लॉस बोला था. ये कॉल उल्टा हो गया है. 155 का आप स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लें और इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी अब लग रहा है जिस हिसाब से 160 आ गया है शायद उसके ऊपर ही रहेगा तो आप स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लें. हो सकता है सारे कॉल्स कभी भी हमेशा सही नहीं जाएंगे, कम से कम मेरे तो नहीं जाएंगे, तो कहीं कहीं डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए, कहीं और भरपाई हो जाएगी नुकसान की. ये कॉल गलत हो गया. वागले साहब ज़्यादा सही थे. वागले साहब के टेक्निकल कॉल चार्ट्स पर ज़्यादा मजबूत था. कल भी वागले साहब ने बोला और सुबह भी बोला तो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के दम पर दिया ज़रूर, लेकिन शायद टेक्निकली कहीं कहीं स्टॉक में मजबूती है. तो वागले साहब, जिन लोगों की शॉर्ट पोजिशन है, 155 का मैंने स्टॉप लॉस सुझाया था, काट लेनी चाहिए ना? अनिल जी, काट लेनी चाहिए. मोमेंटम पॉजिटिव साइड में है और मुझे नहीं लगता ये रुकेगा, ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है, तो बिल्कुल काट लेनी चाहिए. बिल्कुल. और कभी देखिए, हमेशा 100% सारे कॉल सही नहीं होंगे, कुछ न कुछ गलत होंगे. कम से कम आप मेरे केस में तो ये मान के चलें कि मेरे कॉल्स गलत भी जाते हैं. और जब भी आप कॉल लें प्लीज़ ये ध्यान में जरूर रखें, रिस्क एनालिसिस आपका अपना है. हर आदमी की किसकी क्या कितनी रिस्क है वो मैं असेस नहीं कर सकता. और आजकल मैंने इसलिए रेंज भी देना शुरू किया है क्योंकि कई बार ये होता है कि आप एकदम नीचे के लेवल पर करते हैं, क्योंकि आप किस लेवल पर ट्रेड ले रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है. मेरे बोलने के बाद 143.80 का लो भी बनाया है, लेकिन मैं उसकी क्रेडिट नहीं ले रहा कि 143 का टारगेट था 143.80 हो गया होगा. वो पॉइंट वो नहीं है. पॉइंट है कि जो रेंज आपको दी जा रही उस रेंज पर, सपोज आपने 147-151 की रेंज में बेचा है और 155 का स्टॉप लॉस लगाया तो फिर भी वो लॉस आपके लिए बेरेबल है. लेकिन आप 144 में बेचेंगे और 155 पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपके लिए नुकसान ज़्यादा हो जाएगा. तो प्लीज़ ये नोट करके रहें कि आप हमेशा अपने कॉल्स पर वो चीज़ ज़रूर रखिए कि कहाँ पर आप बेच रहे हैं और कितनी रिस्क ले रहे हैं, वो उस हिसाब से ध्यान में आपको भी रखना जरूरी है. कॉल गलत हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कहीं कहीं आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी, चिंता न करें. आइए अब बिगुल बजाते हैं. भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. भसीन साहब के लिए बिगुल. जी भसीन साहब बताएं सर. अनिल जी, पहले तो सुबह का अपडेट दे दूं. ITC और TCS कहा था, TCS 2080 से आज ही टारगेट हिट हो गया 2135 का.
तो प्रॉफिट बुक कीजिए, आईटीसी में अभी भी बने रहिए, 220 का टारगेट है। और इसके अलावा मैंने जो कल आपको दिए थे बाय कॉल्स वो अभी भी कायम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिप्ला, डाबर, एसबीआई लाइफ, ये चारों के चारों आपके पास सौदे खड़े हैं। अब आप कहें तो मैं आज का अपडेट दूं और मैं उसमें दो बाय कॉल है वो आपके। जी सर बताएं प्लीज, दो बाय। तो मैं आपके यहाँ 10 दिन से, 15 दिन से कह रहा हूँ बैंकों में बहुत बड़ी चाल है, और नॉट द लार्ज कैप्स, द मिड कैप बैंक्स आर गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल, और उसमें सबसे आगे है आपके आपके पीएसयू बैंक्स। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने आप 55 का टारगेट कर दिया है, आज की मेरी बाय कॉल है पीएनबी, 33.75 चल रहा है, इसमें आप 31 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें 40 का पहला टारगेट होगा। लेकिन डोंट मिस पीएनबी, इट कैन बी द नेक्स्ट टाटा पावर, और मुझे लगता है कि री रेटिंग ऑफ पीएसयू बैंक्स इज वेरी मच ऑन द कार्ड, सो पीएनबी वुड बी माय फर्स्ट पिक ओवर देयर सर। 40 रुपए सर, 20% से भी ज्यादा के टारगेट है ऊपर के? बिल्कुल सर, और बैंक ऑफ बड़ौदा 55 जाएगा सर। वंडरफुल, वेरी नाइस। दूसरा स्टॉक सर? सर दूसरा स्टॉक है जिसने पिछले 6 साल में 12,000 करोड़ रुपए डिविडेंड दिया है और रिटर्न ऑन कैपिटल, इंडिया बुल हाउसिंग। और आज जो आपके पास कॉल आई है ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन हाउसिंग फाइनेंस, मुझे लगता है इंडिया बुल शुड बी री रेटेड। 157 का भाव है, 57.58, इसमें 150 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 175 से लेके 80 रुपए जा सकता है, 75 ट्रेडर के लिए, 80 रुपए फॉर द इन्वेस्टर। ओके वंडरफुल, तो हाई बीटा स्टॉक है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, 10% के ऊपरी सर्किट पर ये स्टॉक भी आ चुका है, सर्किट पर है इस वक्त, जब सर्किट खुलेगा तो आप खरीदारी कर सकते हैं 150 के स्टॉप लॉस के साथ 175-180 के टारगेट के लिए। सर दोनों पिक है और भी कुछ? नहीं दोनों यही है सर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और 3 बजे बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके अगर बीटीएसटी पिक्स रहे तो हम आपको फिर से कनेक्ट करेंगे और आपसे लेंगे। तो आज दो स्टॉक सबसे ज्यादा मजबूत है आज के सेशन में, टॉप गेनर है आरबीएल बैंक जो 158 पर 13% मजबूत चल रहा है, और 158 पर ही आईबुल हाउसिंग फाइनेंस चल रहा है जो 10% मजबूत है, जहां पर 2 दिनों से लगातार कुणाल जी और राकेश जी दमदार कॉल दे रहे हैं। इसी पर एक अपडेट मैं आपसे लेना चाहता हूं, राकेश जी बताएं। अनिल जी होल्ड करना चाहिए डेफिनेटली, 168 से लेकर 172 के टारगेट दिए हुए हैं और मुनाफे का जो पाचन शक्ति है वो बढ़ानी चाहिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा जिन्होंने खरीदा हुआ है, होल्ड करें 168 से लेकर 172 के टारगेट के लिए। ओके, ये है आपके लिए राय होल्ड करने की इस वक्त, साफ तौर पर अभी भी ऊपर जाने की जगह है, 175-180 का टारगेट बसिन साहब ने भी लिया है, और यहाँ पर ओके, और इस बीच चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। जी बताएं सर, राय खरीदारी की है? बिल्कुल अनिल जी, खरीदारी की राय है, स्टॉक 2.25% ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट में 8% का इजाफा है, स्टॉक का नाम है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, लीस्ट करेक्शन देखने को मिली है, कल इतनी बड़ी गिरावट आई, स्टॉक का टेक्निकल रुझान जो है डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, एनबीएसई में स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पैटर्न है, नतीजों से पहले खरीदारी चल रही है चार्ट के ऊपर, हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में एक एक करके तेजी बनती दिख रही है, आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की राय दी और अब एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग पर खरीदारी की हमारी राय है। यहाँ पर देखिए जो स्टॉप लॉस है वो 62.25 रुपये पर 62.25 पर आपको रखना है, और जो पहला टारगेट है वो 65 रुपये का, दूसरा टारगेट 66.50 रुपये का होगा, तो 66.5 के टारगेट के लिए बाय करें। और साथ ही अनिल जी, एक जो अभी आपने टिप्पणी करी उस पर मैं भी एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, जो आपने आरबीएल के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि भाई आपके मान लिया जाए कि आपके कुछ स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो अनिल जी देखिए कोई भी ऐसा परफेक्ट एनालिस्ट तो विश्व में मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा, सभी के कभी ना कभी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और अनिल जी मेरे और राकेश जी के भी होते हैं। आज ही सवेरे की बात देख लीजिए, हमारा टाटा कंज्यूमर का स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन बदले में आप देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने तूफानी तेजी दिखाई है। तो देखिए अनिल जी, ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है, आप एक ही कॉल पर अटके रहेंगे तो शायद आपको नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप लगातार सभी ट्रेड्स लेंगे तो नेट में आपको प्रॉफिट होगा, और यही खेल है ट्रेडिंग का, इसके लिए आपको लगातार फॉलो करते रहना पड़ता है और थोड़ा विश्वास भी रखना पड़ता है।
और कई बार दूसरा ये कि आप इसका एक मैं सीधा फॉर्मूला बताता हूँ, और फॉर्मूला ये कि आप जब भी कोई कॉल लें ये मानकर चलें कि वो एक कहावत है इंग्लिश में कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, आप सबसे बुरे समय के लिए तैयार हैं और सबसे अच्छे समय की उम्मीद करें। आप अच्छे की उम्मीद करते हैं इसीलिए ट्रेड करते हैं, नहीं तो क्यों करेंगे, लेकिन तैयारी बुरे की रखनी है। ये मानकर चलें जो भी आप कॉल ले रहे हैं कि इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, अगर वो आपके दिमाग में तो आप उतनी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक ही कॉल में पूरी वो वेल्थ बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ नुकसान ज़्यादा लग जाता है, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। पॉइंट सिंपल है, मैं कई बार कहता हूँ गलती मैं करता हूँ, आप करते हैं, सब करते हैं, हर एक को गलती करने का हक है, और गलती लेकिन इतनी बड़ी करनी चाहिए कि दूसरी गलती करने के लिए हम उसके लायक रहें या जिंदा रहें। पहली गलती अगर इतनी बड़ी कर देंगे तो दूसरी गलती करने लायक नहीं रहेंगे, तो ये तो होंगी और नेचुरली हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं। कई बार होता है एनालिसिस गलत जाता है, मार्केट आपका साथ ना दे, कई बार कुछ और कारण हो सकते हैं जिससे स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए, ये चलेगा ये तो। अच्छा, आप अगर इतने ट्रेड कर रहे हैं और नेचुरली आपने अगर किसी रिकमेंडेशन में, मेरी, कुणाल जी, किसी की भी एनालिस्ट की रिकमेंडेशन पर ट्रेड किया तो इसीलिए किया होगा कि आपने कभी हमारे में कुछ अच्छा देखा होगा, कभी हमारी कॉल्स अच्छी गई होगी या एनालिसिस अच्छी गई होगी इसीलिए किया। तो अब ये भी ध्यान में रखिए कि आपके नुकसान की भी भरपाई होगी, चिंता ना करें। और दूसरी चीज़ बहुत हम्बली विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, सारे कॉल्स कभी सही नहीं होंगे, कम से कम मेरे तो कभी भी नहीं हो सकते हैं, उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें। एक कॉल के बेसिस पर मुझे ही नहीं किसी को भी जज करना ये आपके लिए ठीक नहीं है। हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉल देके हमने तो दे दिया, चलो मान भी लिया गलती हो गई, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो आपका हुआ। तो किसी भी आदमी को, किसी भी एक्सपर्ट को आप फॉलो करें उसके पहले उसको कुछ समय तक देखें, उनकी कॉल देखें, और उसके बाद आपको लगता नहीं वर्थ है तो ना करें, ये ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए आइए, बाजार मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, 21,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो रही है, देखना ये आखिरी घंटे में 21,000 पार करके हम टिक पाते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच किरण जी हमारे साथ हैं और किरण जी के लिए बिगुल है BTS TT का। बताएं सर। अनिल जी, बाय करके चलना चाहिए, और ये हमारे सॉफ्टवेयर में ये बाय करीबन 890 के करीब आया था, अभी सॉरी 790 के करीब आया था, अभी 794-95 पे ट्रेड कर रहा है अरविंदो फार्मा। तो मेरा मानना है कि इधर बाय करके चलना चाहिए, ट्रेड सेटअप समझना चाहिए, अभी करंट लेवल से करीबन 790 तक बाय करना चाहिए, आपका 785-86 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं आपको कैजुअली ये 810-815 के लेवल्स देखने को मिलेंगे कल सवेरे तक। तो ये जो ट्रेड सेटअप है ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव डेटा अभी अगर देखते हैं तो 800 के कॉल ऑप्शन में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, पर उधर अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि जो 780 और 800 में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है उसके चलते मुझे लगता है इधर एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिलेगी। तो ये ट्रेड सेटअप समझ के इन्वेस्टर्स ने सौदा लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए अरविंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से। आइए खबरों वाले शेयर जान लें, देवांशी हमारे साथ है बताने के लिए। देवांशी बताइए किन शेयरों में आज बाजार खुलने के बाद आई है खबरें। बिल्कुल अनिल जी, आज देखिए जो नतीजे आए हैं मार्केट्स खुलने के बाद, उसमें धानों का एग्रीटेक है जिसके नतीजे काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। इस तिमाही में आप देखिए जो मुनाफा है उसमें करीब 46% का जंप इस तिमाही में आता हुआ दिखा है, 27 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 39 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। आय जो है उसमें भी 18% तक की मजबूती आती हुई दिखी है, बड़ी है आय इस बार, और साथ ही कामकाजी मुनाफे में करीब 48% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। मार्जिन इस बार 17% से बढ़कर 20% पर आते हुए दिखे हैं। साथ ही आज इंफ्रा स्टॉक्स पर नजर है, जैसे कि आपने बात की NHAI की तरफ से करीब 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। 30 जून तक करीब 400 किलोमीटर के हाईवे के लिए मंजूरी देने की योजना NHAI की तरफ से मिलते हुए दिखती है। तो सारे इंफ्रा स्टॉक्स आज फोकस में। अहुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जैसा स्टॉक है जहां पे करीब 7% तक के गेन्स बनते हुए दिख रहे हैं। फिनिशा बायोटेक स्टॉक पर भी नजर है, जहां पे अमेरिकी की कंपनी रेफर्ना के साथ कंपनी ने एक करार किया है, और COVID-19 के वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी ने ये करार किया है। सारी मंजूरी मिलने के बाद कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी और साथ ही डिस्ट्रीब्यूट भी करती हुई दिखेगी। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की कॉन कॉल होती हुई दिखी थी, जिसमें उन्होंने
थोड़े से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। इनका ये कहना है कि करीब 90% रिटेल आउटलेट्स खुल चुके हैं। साथ ही इनका ये कहना था कि इस बार कंपनी को काफी डिस्काउंट्स देने पड़े थे इन्वेंट्री को खत्म करने के लिए BS6, और इसी के चलते इस बार मार्जिन पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। FY21 में सेल्स वॉल्यूम वापस लाने पर सबसे ज्यादा फोकस होगा कंपनी का। इसके अलावा गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, जहाँ पे करीब 150 करोड़ तक के फंड्स जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, अभी इक्विटी शेयर साथ ही QIP या प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए कंपनी फंड्स जुटाएगी। और आखिर में सिप्ला, जहां पे कंपनी ने गो एक्टिव जो डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी है, इसमें कंपनी ने करीब 22% हिस्सा खरीद लिया है, 9 करोड़ में ये सितारी कंपनी खरीदेगी। बिल्कुल, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आज आपको आते हुए दिखे हैं मार्केट्स खुलने के बाद। जय ठक्कर और आशु मदान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं बाजार के बारे में। जय, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, नतीजों के दम पर आज हीरो मोटोकॉर्प में हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है, 3-3.5% की गिरावट है, बट क्योंकि बाकी ऑटो स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, तो इस गिरावट पर हीरो मोटो को खरीदना चाहिए या फिर थोड़ी देर और रुकना चाहिए? कितनी लेवल से गिर सकता है ये स्टॉक? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। जहाँ तक हीरो मोटो का सवाल है, मैं कहूँगा देखिए, ये करीब करीब आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो 200 एमए को टेस्ट कर चुका है। फॉल में मैं कहूँगा कि दीप एक इंपल्सिव फॉल हमें देखने मिल रहा है, अपने 220 and 40 RD के नीचे स्टॉक क्लियरली ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में अब थोड़ा बहुत हमें और गिरावट लगभग 2240 तक के लेवल तक हमें देखने मिल सकती है, जो उसकी अपर लाइन का सपोर्ट है। और नीचे में अगर आप उसके नीचे देखिए तो लगभग 2140 का एक अच्छा सपोर्ट है, दूसरा जो 50 डेमा का है। मैं कहूँगा 2240 से 2150 ये लेवल्स हमें देखने मिलेंगे यू नो हीरो मोटोकॉर्प में। ओवरऑल ट्रेंड में कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ओवरबॉट हो चुका था ये स्टॉक दीप, एंड हमें ये रिवर्सल स्टार्ट होते हुए नजर आया आज के ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट जो आज ये प्राइस की गिरावट हमें देखने मिली है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में भी काफ़ी अच्छा बदलाव है, लगभग 8-8.5% का इजाफा हमें देखने मिल रहा है। डेली दिख रहा है कि ये स्टॉक में रिवर्सल हो चुका है शॉर्ट टर्म में, तो 2240 and 2140 ये दो टारगेट्स के लिए आई थिंक। हीरो मोटो कॉर्प के लिए शॉर्ट कैसे करना है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं या तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर में बना रहेगा 2360 के आसपास का। ओके, थोड़ी और कमजोरी आ सकती है, और आज सुबह फास्ट मनी में भी हीरो मोटोकॉर्प पर बिकवाली की राय दी गई थी कुशल की तरफ से, और वहां पर भी आप देख रहे हैं कि टारगेट्स हिट होते हुए लग रहे हैं। तो नजर रखिए हीरो मोटोकॉर्प पर, नजर रखिए बाजार के एक्शन पर, भरपूर एक्शन है इस समय, सभी स्टॉक्स में दोनों तरफ का मूवमेंट हो रहा है। आशु जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशु जी, कल एक्सपायरी है, उससे पहले दोनों तरफ के ट्रेड बाजार में होते हुए दिख रहे हैं, अब वापस डेज हाई की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, पर नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है, आपकी क्या रीडिंग है मार्केट एक्शन की? सर दीपांशु, बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी कि बिल्कुल नैरो रेंज के अंदर है। मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी ज़्यादा कोई फायरवर्क्स नहीं होंगे, शांति वाली होगी, जस्ट बिकॉज ये लेवल है दीपांशु। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में ना बहुत एक जिटर है इस वक्त के 10,200 का ऐसा लेवल है कि ना बाइंग हो पा रही है ना सेलिंग हो पा रही है ढंग से, और विच इज़ राइट, क्योंकि बाइंग इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमने अभी रिसेंटली पिछले एक महीने में जो लोज देखे हैं और उससे इंडेक्स आ गया है, तो ऑब्वियसली एक डर बना रहता है क्या ये राइट लेवल है लेने का, और लेते ही नीचे आता है। और हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा भी कैसे एक वॉलिटिलिटी देखी और 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर से नीचे आ जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पूछें क्या कुछ ब्रेकडाउन दिख रहा है या मंदी है, तो दीपांशु द आंसर इज नो। अभी भी दीपांशु क्या है कि पता नहीं अनिल जी हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं बार बार कि अब तो बाकी लोग इतने मंदी की कॉल दे रहे हैं, आप मंदी की कॉल ढंग से खुल के नहीं दे रहे, क्योंकि दीपांशु अभी भी मंदी की कॉल कोई ढंग से खुल के दिख नहीं रही है। मंदी की कॉल का मतलब होता है कन्विक्शन आइडिया होना चाहिए, ब्रेकडाउन होना चाहिए, बहुत नीचे के लेवल्स दिखते हों, तो बहुत नीचे के लेवल्स अभी कोई ऐसा रीजन नहीं दिखता। उसका सबसे बड़ा रीजन तो शॉर्ट ही है, उसका सबसे बड़ा रीजन तो अंडर ओनरशिप ही है। आपने अगर दीपांशु ध्यान होगा पिछले हफ्ते मुझसे पूछा था जब PSU बैंक चल रहे थे तो ये क्या शॉर्ट कवरिंग है, तो मेरा तब भी आंसर ये था कि शॉर्ट कवरिंग नहीं है, अब तो ये तो बहुत ही हाईली ओवरबॉट सेक्टर ऑफ द मार्केट है। तो ये जब चल रहा है तो धीरे धीरे हर अपमूव पे लोग जो पुराने लोग 2-2 साल से फंसे हुए हैं निकलते जाएंगे, तो इसलिए चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, क्या वो मंदा है, वो भी मंदा नहीं लगता है, तो उसमें भी शॉर्ट कॉल नहीं लगती, तो मंदा बहुत घूम फिर के थोड़ा सा एक नैरो रेंज की मार्केट है। तो दीपांशु ये जो अभी तक का स्टोरी है वो ये है, और अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए यही है। अब दीपांशु मुझे पेयर ट्रेड भी देना है और मुझे स्प्रेड भी देना है, और एक चीज दीपांशु और बोलनी है, आपने पता नहीं लिखा था कि नहीं लिखा था, परसों हमने एक स्प्रेड दिया था अनिल जी को
10,200 पुट स्प्रेड था जिसमें 25 रुपए की कॉस्ट थी, इस वक्त उसमें 40 रुपए पर 40 रुपीज पर लॉट में निफ्टी में प्रॉफिट आ रहा है। तो मुझे लगता है वो बुक कर लेना चाहिए। वो भी प्रिसाइजली इसलिए था 25 रुपए की कॉस्ट में कि 100-150 रुपए की मंदी आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं दिखती है। तो अभी भी मार्केट उसी रेंज के अंदर है। तो 10,200 का जो स्प्रेड था 1:2 जो 25 रुपए की कॉस्ट में था, इस वक्त 75 रुपीज कॉस्ट में, तो ऑलमोस्ट 40 रुपीज का प्रॉफिट है, उसको बुक कर लेना चाहिए। अब अनिल, अब दीपांशु, अब जो okay. आपने एक बात बोली कि इंटरेस्टिंग के नैरो रेंज में है, उसको प्ले कैसे करना है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है कल के लिए, तो आप बोलेंगे तो मैं वो शेयर कर लूं पहले। जी बिल्कुल, तो आशु सर के लिए एक बिगुल BTSTT का, तो एक बार स्प्रेड और पेयर दोनों ही ले लेते हैं आशु सर से, उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी पर हम करेंगे बातचीत। जी सर बताएं। अनिल जी, आई डोंट नो, मेरा ऑडियो, आपका ऑडियो कनेक्टेड था जो मैंने भी बोला, शायद आपने सुन लिया। सब सब पूरा 100% सर, क्या बात कर रहे हैं, सुन भी लिया और दिमाग में एकदम बिठा भी लिया। अच्छा ओके अच्छा ओके, सो अनिल जी वही नैरो रेंज है जो आपका भी मैं कल सुन रहा था, लेवल था कि 10,025, ये इसके आसपास से नीचे मार्केट नहीं लगता। ऊपर का बायस अभी भी अनिल जी अगर आप 60-40 कहेंगे तो बायस ऊपर का ही है। तो अनिल जी 10,100 निफ्टी चल रहा है, सारे दिन से 10,100 ही चल रहा है, कभी इधर कभी उधर झूला झूला रहा है लेकिन कहीं जा नहीं रहा। तो 10,100 की अनिल जी कॉल लेनी है और 10,200 की दो कॉल बेचनी है और 10,100 की पुट लेनी है और 10,200 की दो पुट बेचनी है। तो अनिल जी 10,100 की बेसिकली एक मिनट, अरे एक मिनट आशु जी, एक मिनट धीरे धीरे लिखाओ मुझे, मैं मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगता है। पहले 10,100 का एक कॉल ऑप्शन लेना है और 10,200 का दो कॉल ऑप्शन बेचने हैं, और ये सारे के सारे जो करने इसी हफ्ते वाले करने, बराबर है? कल के लिए अनिल जी, ठीक है। एक 10,100 का ले लिया, दो 10,200 के बेच दिए, अब नेक्स्ट बताओ अब क्या करना है, पुट? अब 10,100 का पुट लेना अनिल जी एक। हाँ ठीक है, फिर? और 10,200 के 10,000 के दो पुट बेचने हैं, 10,000 के दो पुट बेचने हैं, टोटल में यहाँ 2-2, 4-2, 6 ट्रेड करने हैं, 6 ट्रेड एक बार और 6 ट्रेड दूसरी बार, 12 ट्रेड टोटल मिला के। ये आप चेटक करके लिए तो नहीं है, ये सारा काम तो नहीं है अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, मारवाड़ी फाइनेंशियल और जेम फाइनेंशियल के लिए तो नहीं है स्कीम? नहीं नहीं अनिल जी, अनिल जी ये एक सेकंड, मैं इसका क्लेरिफिकेशन दे देता। जी जी अनिल, अनिल जी बताइए, 6 ट्रेड नहीं है, पहली चीज तो 4 ट्रेड है ये अनिल जी, 6 ट्रेड नहीं है, 4 ट्रेड है और लॉट दो है, तो अब लॉट अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसको ट्रेड नहीं मान सकते, तो 4 ट्रेड है। सो अनिल जी व्यू क्या है, नीचे कहां तक सेफ है आप? 9900 तक जी। ऊपर कहां तक सेफ है? नीचे 9900 तक, ऊपर 10,200 तक। तो अनिल जी ये जो 10,300 तक, सॉरी, तो ये तो 400 पॉइंट की रेंज है, ये कल के लिए आप आराम से बैठ सकते हैं। अनिल जी इस पूरे स्प्रेड का, ये पूरे जो लेग्स दोनों है, इसकी कॉस्ट है सिर्फ 8-10 रुपए पूरे स्प्रेड का। एक तरफ भी 100 पॉइंट नीचे ऊपर बंद होगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और ये दोनों तरफ का बनाना चाहिए। कोई एक तरफ का बनाए तो बना सकता है, उसकी मर्जी है, बट मेरी रिकमेंडेशन है दोनों बनाना चाहिए। और आपका कल की रेंज क्या होगी? 9900-10,300 विद इन दिस रेंज अनिल जी, 10,100 से ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी बंद होगा आपको प्रॉफिट होगा, तो ये बहुत सेफ ट्रेड है। और बिल्कुल जो यही व्यू है जो मैंने बोला है, और यही व्यू का क्वेश्चन दीपांशु ने पूछा था कि रेंज नैरो है, तो अनिल जी इस नैरो रेंज में अगर मेरे को 100 पॉइंट भी इधर उधर मिल जाएंगे सो आई विल बी हैप्पी विद दिस ट्रेड। तो ये एक स्प्रेड है अनिल जी बनाना चाहिए, और जो परसों का स्प्रेड था 10,200 और 10,000 उसको एक बार बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट, जिसने भी बनाया हुआ है। अब अनिल जी मैं पेयर ट्रेड स्ट्रेटजी भी देना चाहता हूँ, जब आप कहेंगे तो बिल्कुल बजा दीजिए उसका भी। तो बस पेयर ट्रेड की स्ट्रेटजी का बिगुल, एक BTSTT का एक बिगुल और सर के लिए जल्दी से। बताएं सर। अनिल जी शॉर्ट साइड पे है, शॉर्ट करना है टाइटन को। टाइटन का रेट अभी चल रहा है 984-985, इसको 1010 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर शॉर्ट करना है।
अनिल जी, और ये मेरा टारगेट है 925 से लेके 900 रुपए तक ग्रेजुअली आना चाहिए टाइटन, क्योंकि इसमें डाउनग्रेड भी, रिजल्ट भी आ गए, जो आगे की कमेंट्री है उसमें भी वो जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है ना वो कुछ नजर नहीं आया उस तरह से, ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी है। तो अनिल जी टाइटन को सेल करना चाहिए क्योंकि ये एक वीक काउंटर बन चुका है और कल 1025-30 का भाव भी बना के आ गया, तो 1010 के स्टॉप लॉस से टाइटन शॉर्ट करना, इसका टारगेट है 925 से 900 रुपए तक। ओके, तो पेयर ट्रेड कैसे हुआ, इसके सामने खरीदना क्या है फिर? अनिल जी बताता हूँ, पहले एक और चीज बेचने वाली है अनिल जी। अनिल जी एनबी मार्केट थोड़ी सी बढ़ रही है लेकिन अभी भी उसमें अंडर परफॉर्मेंस है, तो एक और स्टॉक आइडेंटिफाई किया सेल के लिए, थोड़ा सा लो बीटा है, छोटी रेंज है, लेकिन जैसे आई बुल चल रहा है, आरबीएल चल रहा है, अगर कोई ले रहा है, जैसे कुणाल जी ने इतनी अच्छी रिकमेंडेशन दी, राकेश जी ने 2-3 दिन से हमारे यहाँ भी, हमारे रिसर्च में भी ये दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छी तरह पकड़े हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी भी अच्छे लग रहे हैं इनके अपमूव में, तो इसको हेज करने के लिए अनिल जी अगर शॉर्ट करना है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस शॉर्ट करना है, जिसका रेट है 154-155, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस है 160 रुपए का, 60 रुपए का, और ये 140 रुपए तक का टारगेट लगता है मुझे आना चाहिए धीरे धीरे करके। अनिल जी पिछले दिनों में जितनी आउट परफॉर्मेंस इसने दिखाई थी उतना ही ये लैगार्ड हो गया है, तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि ये नीचे की तरफ है और एनबीएफसीज में अभी भी कोई बहुत बड़ा रुझान नहीं है ऊपर का। तो अनिल जी ये दोनों सेल ट्रेड है, और आप कहें तो उसके अगेंस्ट जो बाय करना था जो पेयर है मैं वो भी बता देता हूँ। बिल्कुल, शुभकामनाएं देने के लिए बाय करना है बीपीसीएल। अनिल जी बाय करना है बीपीसीएल, 376-377 का रेट है, इसमें 370 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं फ्यूचर का और इसको ओपन रखें, और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में बीपीसीएल में फिर एक जो अभी हमने मूव देखी थी उसकी फॉलो अप बाइंग फिर और चलेगी, तो अगर लेना है तो अनिल जी बीपीसीएल, बेचने में एमएनएम फाइनेंस, टाइटन, और जो अनिल जी ये दोनों स्प्रेड बनाए हैं इसका मैं कल अपडेट आपको दे दूंगा, अगर ऑन एयर नहीं भी हुआ तो इसका क्या स्टेटस है, ये सारे स्टेट के साथ बने रहे तो अनिल जी मुझे लगता है कि अच्छा प्रॉफिट आना चाहिए। परफेक्ट, 370 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, टारगेट खुला है, मोटा मोटी एक बार 400 के आसपास का मान के चले, 390-400 गया था एक बार वहां पे मान के चले, लेकिन वो एक इंडिकेटिव है, आपको बताएंगे आशीष सर। दीप, अब 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी कर लीजिए। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल तैयार है 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स की चाल एकदम बदल गई है, पिछले आधे घंटे में देखें तो अब नेगेटिव हो गया, 130 अंक ऊपर था जब हमने शो की शुरुआत करी थी, वहां से अब देखेंगे तो 65 अंक नीचे है, तो लगभग 200 पॉइंट्स की गिरावट हमने आते हुए देखी है। जहां तक डाउ फ्यूचर्स का सवाल है तो वहां पर ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव जरूर होते हुए दिखा है, और यूरोप के बाजारों की बात करें तो वहां पर भी हल्की सी बिकवाली आई है, सारे के सारे बाजार पॉजिटिव शुरुआत हुई थी, यहां पर 0.5% ऊपर खुले थे, अब अगर आप देखें तो सिर्फ जो यूके के बाजार है वो थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बाकी फ्रांस और जर्मनी के बाजार गिर गए हैं, और कच्चे तेल में भी आज फिर से 2% की गिरावट है, तो थोड़े नेगेटिव हो गए हैं ग्लोबल क्यूज सर। जी हाँ, बिल्कुल ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव है। दीप, पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे बाजार में क्या हो रहा है इस वक्त, और जो लोग बाजार में 10-15 साल गुजार चुके हैं उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दो स्टॉक देखिए खाली, TCS और रिलायंस। TCS 2.25% मजबूत है, रिलायंस 1.25% मजबूत है, और बाजार में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले ये दो स्टॉक हैं, TCS और रिलायंस। फिर कुछ हद तक बैंक्स आ जाते हैं जो अपना वेटेज रखते हैं, या लीवर ITC आते हैं, लेकिन आज जो निफ्टी में मजबूती बनी हुई है, निफ्टी को जो 10,000 के नीचे नहीं जाना है, उसकी बड़ी रीज़न है ये दोनों ही स्टॉक जो मजबूती के साथ टिके हुए हैं, पॉइंट नंबर वन। अब जब आपको इंडेक्स में मजबूती दिखे तो इंडेक्स में मजबूती के साथ आप वो स्टॉक्स देखना चाहते हैं तेजी में, जिन्हें आप बेहतर फंडामेंटल वाले मानते हैं, या जिन्हें आपको लगता है कि जहां क्वालिटी बाइंग आ सकती है। लेकिन आज के बढ़ने वाले शेयरों में देखिए, जो टॉप गेनर्स में हैं उनमें ज़्यादातर NBFCs हैं, या फिर वो बैंक है, RBL हुआ, इंडसइंड बैंक हुआ, कुछ हद तक बंधन हुआ, या फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस, MFSL, ये वो स्टॉक्स हैं जो आमतौर पर इंडेक्स अगर आपका मेंटेन है तो वो बढ़ते हैं। बाकी स्टॉक्स में आप जो क्वालिटी स्टॉक्स है, टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, चलिए हीरो मोटो तो रिजल्ट की वजह से मान लें, इन सारे स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। तो पॉइंट ये है कि आपको सही स्पेस में रहना है कि कौन से स्टॉक्स एक्शन में है। आज हाई बीटा और कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स का दिन है,
तो वो स्टॉक्स काफी तेजी से भाग रहे हैं। उनकी इंडिविजुअल खबर हो सकती है या फिर कोई और वजह, वो एक अलग चीज हो सकती है जो हमें नहीं पता। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है डेटा के लिहाज से, जो मैं पहले आपको बता दूं कि निफ्टी के लिए 10,000 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी भी ये मानता हूं कि आज भी शायद 10,000 के नीचे क्लोज ना हो, जो जिस तरह से डेटा बने हुए 37 लाख शेयर 10,000 के पुट में। और कल भी हमने बड़ा स्ट्रांगली आपको कहा था कि भले हम 10,075 के आसपास कल भी इस वक्त यही लेवल पर थे, और मेरा ये मानना था कि 10,000-10,025 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर शॉर्ट पोजिशन है तो। आज भी मैं यही कहूँगा 10,000-10,025 की रेंज में अगर निफ्टी आता है वहाँ अपनी शॉर्ट पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करें। लेकिन कल आपको डाउ फ्यूचर्स 300-350 अंक नीचे दिख रहे थे, इस वक्त डाउ फ्यूचर्स सिर्फ 50 अंक नीचे है। और हाँ, ये जरूर है कि 200 पॉइंट से ऊपर से नीचे आए तो 250 पॉइंट का एक तरह से डाउ फ्यूचर्स में करेक्शन आप मान सकते हैं, तो थोड़ा सा डाउ सुस्त है। अब एग्जैक्टली आज क्या ट्रेड होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होता है कि अगर आपका डाउ फ्यूचर बड़ा ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको ब्रॉडली आइडिया लग जाता है कि आज अमेरिका में क्या होना है, फिर जरूरी नहीं कि हो या ना हो, वो एक अलग बात है। जब डाउ फ्यूचर्स बहुत छोटे दायरे में हो, मतलब 85 पॉइंट ऊपर नीचे हो, तो फिर आपके लिए अमेरिका में क्या होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। आज रात अमेरिका में बड़ी तेजी या बड़ी मंदी दोनों बन सकती है। बड़ी तेजी क्यों बन सकती है? क्योंकि मार्केट बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। बड़ी मंदी क्यों हो सकती है? क्योंकि फेड की दो दिनों की बैठक का आज आखिरी दिन है और फेड क्या कहता है, हो सकता है फेड के बोलने से बड़ी तेजी भी बन जाए। तो कल के लिए आपको गैप अप गैप डाउन की ओपनिंग के लिए तैयार रहना है, पॉइंट नंबर वन। तो आज को आपको अपनी पोजिशन उस हिसाब से बनानी है कि कल का गैप ऊपर या नीचे किसी भी तरफ हो तो आपकी रिस्क उतनी है क्या, नहीं है तो आपको हल्के होके जाना है। पहली चीज ये ध्यान में रखिए, तो क्योंकि कल आपको गैप अप गैप डाउन मिल सकता है। अब जो वो मिलने के बाद कल फिर उसके बाद हमारी वायदा कारोबार की एक्सपायरी है। आज भी आप देखिए बाजार लगातार दोनों तरफ बराबर ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे, रेंज भली छोटी हो लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत है, और ये वॉलेटिलिटी कल और बढ़ने वाली है। ये चीज मैं कल भी आपको बोल रहा था कि अगले दो दिनों में वॉलेटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, तो कल और वॉलेटाइल ट्रेड रहेगा। इसलिए इस वक्त ये जरूरी है आप अपनी ट्रेडिंग पोजिशन को कम कर लें, क्वांटिटी कम कर लें, ओवरनाइट रिस्क कम रखें, पहली चीज। लेकिन 10,000-10,200 ये रेंज है जिसके बीच में वक्त बिताना है, जब तक इसके किसी और तरफ एक तरफ क्लोजिंग ना हो आप आराम कीजिए, बस ये 200 पॉइंट की रेंज को एंजॉय कीजिए। सिंपल चीज ये है निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी, 21,000 के पार निकल के कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी कब से जाने की, लेकिन टिक नहीं पाता रहा। वहां से जैसे ही 21,000 के पास पहुंचता है चपत लगती है, फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। अब आज के लिए 21,000 जब तक पार नहीं करता, और अब लगता नहीं कि आखिरी एक घंटे में करेगा, अब आपके लिए नीचे जो सपोर्ट है 20,550 से 20,650, ये 100 पॉइंट की रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे गए तो फिर 20,300-20,400 की रेंज में आ जाते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा आपको 20,300-20,400 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी आ जाए, आज तो नहीं आएगा लगता नहीं है, किसी भी वजह से अगर कल आ जाए तो वो लेवल बहुत अच्छे हैं जहां पर आपको शॉर्ट काटने चाहिए और फ्रेश खरीदारी के बारे में भी सोचना चाहिए। मूड माहौल को देखेंगे जरूर, ये बात सही है, नहीं तो हो सकता है 19,950-20,000 आए, वो हम उस समय कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक बार की अगर आप 21,500 से 21,800 की रेंज में शॉर्ट हुए हैं तो 20,300-20,500 आपके लिए एक अच्छी रेंज है। 20,300-20,400 बहुत बढ़िया लेवल है जहां शॉर्ट काटने चाहिए। आखिरी एक घंटे के लिए दीप मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक डायरेक्शन जरूर देना चाहता हूं कि आपकी पोजीशन तेजी की हो या मंदी की, जितनी कम करके आज आप जा सकें आखिरी एक घंटे में पोजीशन कम करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपको ओपन रखनी ही है तो बिल्कुल हेज पोजीशन ओपन रहनी चाहिए, ऐसे ही नहीं रखें, ये ध्यान में रखिएगा। जी दीप, बिल्कुल अनिल जी, और लगता है कि व्यूअर्स ने आपकी एडवाइस पे डायरेक्ट एक्शन भी ले लिया, क्योंकि जैसे जैसे आप बता रहे थे सर, हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही हमें गिरावट आती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी अब सिर्फ 60 अंक ऊपर है, निफ्टी 10,050 डिफेंड कर रहा है, बट गिरावट आ रही है, तो पोजिशन थोड़ी हल्की की जा रही है बाजार में, और उसका आपको रिएक्शन भी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बार आपको बता भी देते हैं, जिस तरह से अनिल जी बता रहे हैं बैंक निफ्टी पर आज सुबह क्या राय दी गई थी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अनिल जी ने सुबह भी कहा था दोनों तरफ के ट्रेड्स होंगे, और शुरुआत में अनिल जी ने कहा भी था कि खरीदारी करनी चाहिए, उसके बाद टारगेट्स भी आते हुए दिखे और फिर वहां से मुनाफा वसूली भी देखी। एक बार उसका रिकैप ले लेते हैं। निफ्टी में अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, शॉर्ट काटिए, निफ्टी में आपको न्यूट्रल होकर जाना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी, अगर आपने अच्छे लेवल पे शॉर्ट किया, 500 पॉइंट नीचे है, अगर वहां से शॉर्ट हुआ है तो आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस आप 10,020 कल का लो है वहां पर भी रख सकते हैं। 10,125 10,150 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी जहां तक सवाल है, यहां पर खुलते ही खरीदारी करने की राय है मेरी। 20,825 20,950 और 21,050 ये टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है और 20,600 आपका स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी पर आज सुबह जो आपको खुलते ही राय दी थी 20,825 और 20,950 दोनों टारगेट हासिल हुए। निफ्टी में खुलते ही खरीदारी करने की राय दी थी 10,125 के टारगेट पहले था, 10,120 तक पहुंचा है, तो लगभग टारगेट निफ्टी में हासिल हुआ है। बैंक निफ्टी में दोनों हासिल हुआ है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर जो अनिल जी की राय थी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट इस पर फोकस करते हैं, इस पर भी अनिल जी की पहले स्ट्रेटजी आ गई है। आज थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड स्टॉक दिखा रहा है, नतीजे आने वाले हैं, क्या अनुमान है बाजार का, पूजा बताने के लिए तैयार है, बताएं पूजा। जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से थोड़ी धीमी ग्रोथ इस बार देखने को मिल सकती है। ब्याज से आय में हमारा अनुमान है कि मामूली 8% की ग्रोथ रहेगी और मुनाफे में भी मामूली 5% की ग्रोथ रहेगी। हो सकता है कि यहां पर गिरावट भी देखने को मिल सके क्योंकि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के कारोबार पर काफी ज्यादा असर पड़ा लॉकडाउन के चलते, क्योंकि इनका ज्यादातर जो पोर्टफोलियो है वो व्हीकल फाइनेंस से जुड़ा और हमने देखा कि लॉकडाउन में वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट और व्हीकल सेगमेंट काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुए, तो उसके सामने प्रोविजनिंग काफी ज्यादा करनी पड़ सकती है कंपनी को और हम देखेंगे कि एसेट क्वालिटी पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। 8.7% ऑलरेडी कंपनी के एनपीएस पहुंच चुके हैं। हमारा अनुमान है कि ये जो एनपीए है ये बढ़कर 9% के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं, तो कमजोर नंबर्स रहेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के। कमजोर नंबर्स रहने वाले हैं जहां तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का सवाल है। स्टॉक पर नजर रखिए, नतीजों से पहले थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड जरूर दिखा रहा है, पर एक दो और स्टॉक जिस पर अनिल जी की राय रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अलावा, कंटेनर कॉरपोरेशन, वहां पर नजर डाली अभी थोड़ी देर पहले, वहां पर एक गिरावट आती हुई दिखी है और एक और एनबीएफसी नेम अनिल जी पीरामल एंटरप्राइजेस, वहां पर भी दबाव बन रहा है। दीप, देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो मैं सुबह ही कह चुका हूँ एग्जिट कर लें, कुछ लोगों ने मुझे ट्विटर पे पूछा भी, तो आपको सुबह ही मैं बता चुका हूँ कि आज रिजल्ट है और इसलिए आपको निकल जाना चाहिए। तब 615 रुपये के आसपास का भाव था और 609 का कुछ लो बनाया, तो वो वहाँ तो मैंने कहा रिजल्ट के बाद वापस ट्रेड देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर कुछ करने जैसा होगा तो रिजल्ट के बाद देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं, पॉइंट नंबर वन। तो ये तो आपको निकल ही जाना है, ये चीज़ क्लियर है। अब आइए दूसरा, आपने कहा कॉनकोर, कॉनकोर 512 शायद 500 का भाव चलता है, क्या चलता है, ओके कॉनकोर 412 का पहला टारगेट था वो हासिल हुआ और मैंने कहा भी था सुबह कि 412 पे मत शॉर्ट काटिए, आप 400 रुपये तक के लिए इंतजार कीजिए, वो कॉल अभी भी बरकरार है। आप देख सकते हैं मजबूत बाजार में 2.5% नीचे 400 के आसपास आए तब आप अपनी शॉर्ट काटिए, 402 रुपये के आसपास जहां आपको ठीक लगे। पीरामल एंटरप्राइजेज हम ऑलरेडी एग्जिट कॉल दे चुके हैं सुबह को, वागले साहब ने और सुमित जी ने भी कहा ये। अच्छा एक मजे की बात बताऊँ, इससे याद आया कि पीरामल आप कॉल सही हुआ है, ये सही हुआ है, आपका कॉनकोर सही हुआ है, काफ़ी हद तक एक और श्रीराम भी नीचे तो आए, बंधन भी नीचे आया है, हालांकि उसमें भी हमने कहा था कि 266 पे और 260 की रेंज में शॉर्ट किया, लेकिन एक कॉल ये ज़रूर जो गलत हुआ वो भी मैं एक बार फिर से बता दूं और वो है आरबीएल बैंक 155 रुपये। अभी भी अगर आपको क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना है तो 155 के ऊपर क्लोज हो तो काटिए, इंट्राडे में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है ये, उस हिसाब से अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको निकल जाना चाहिए और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 155 के ऊपर बंद हो तो भी आप अपनी शॉर्ट काट के चले जाएं, कल के लिए कल देखी जाएगी। तो ये आपके लिए कॉल से जो मेरा अपडेट आ चुका है, तो दीप मेरी तरफ से अपडेट एकदम क्लियर है, आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट में सुबह ही बता चुका हूं कि एग्जिट कर लिया जाए। जी बिल्कुल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर सुबह एग्जिट की राय दे दी गई थी, बट पीरामल पर हमने देखा है दो टारगेट्स ऑलरेडी आ गए हैं और तीसरा टारगेट भी आने की तैयारी में दिख रहा है, एक फ्रेश वीकनेस आती हुई दिख रही है काउंटर में, एक बार देख लेते हैं पीरामल पर आपको क्या राय दी गई थी। पीरामल एंटरप्राइजेस पीईएल थोड़ा ऊपर आए 1110 तक, तब भी और शॉर्ट करें 1120 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 1065 पहला टारगेट होगा जहां पर आपके 2000 बन जाएंगे, 1050 और फाइनली 1025 के टारगेट के लिए आपको यहां पर शॉर्ट होल्ड करना चाहिए। ये कितनी रिकवरी दिखाकर ऊपर आ जाए, ऊपर काम बनेगा, ऊपर बेचने में मजा अलग है, इसका भी करके देखो मजा आएगा। 125 का टारगेट दिया था, 130 पर इस समय पीरामल एंटरप्राइजेस का फ्यूचर भी ट्रेड कर रहा है, तो दो दिन पहले इस पर टारगेट दिया था वो तीसरा वाला टारगेट भी अब आते हुए दिख रहा है इधर।
तो जो मैं दीप इसमें सुमित जी को कह रहा था ऊपर बेचने का मजा लगे कभी, देखो बड़ा मजा आएगा, वो उसमें कभी कभी सजा भी होती है ध्यान में रखें, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कई बार आप एक बोल्ड कॉल लेते हैं, कॉन्ट्रा कॉल लेते हैं, उसमें पैसे अच्छे भी बनते हैं तो कभी कभी लग भी जाते हैं, दोनों ही चीज़ है, क्योंकि आप वहाँ फंडामेंटल कॉल ले रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली तो आप कभी भी हरे निशान में जो स्टॉक है उसे बेच ही नहीं पाएंगे, वो तो कभी हो गई नहीं, वो तो तभी हो सकता है जब फंडामेंटल कॉल कोई हो या फिर आपका किसी खबर पर एनालिसिस ऐसा हो जो नेगेटिव हो, तब तो एक अलग बात है। एनीवे तो ये आपके लिए है इस वक्त, और 10,070 के आसपास निफ्टी है, 20,800 के आसपास बैंक निफ्टी है। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रह सकते हैं उन पर राय ली जाए। और अच्छा, उससे पहले वागले साहब तैयार है अपने BTST कॉल के लिए, तो वागले साहब के लिए एक बिगुल। अनिल जी बजाज ऑटो में मुझे एक ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, 2745 का वो ब्रेकडाउन लेवल है, अभी 2738 के आसपास है, यहाँ पर बेचे और 5-6 रुपए की रेंज होगी। मेरा स्टॉप लॉस एक 20 रुपए का होगा, 2755 का पकड़ लीजिए, और ऑन द डाउन साइड 2700 का पहला टारगेट होगा और 2680 का दूसरा टारगेट होगा। ओके, 2700 और 2680 के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली बजाज ऑटो में, यह है राय वागले साहब की तरफ से। आइए एक छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, इसका बिगुल है जय ठक्कर के लिए। बताएं जय अनिल जी, मैं कहूंगा कि देखिए, अगर मेरा कल भी ऐसे ही हुआ था अनिल जी, कहीं ना कहीं 4100 का कॉल ऑप्शन मैंने दिया था डॉक्टर रेड्डी का, और उसके पहले वागले जी ने बाय दे दिया था, इनफैक्ट आज भी ऐसे ही हुआ है। बजाज ऑटो पर ही पुट ऑप्शन लेने की मेरी सलाह है, इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे क्लियर कट ब्रेक डाउन देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से 200 डेमा को आज ब्रेक किया है, बजाज ऑटो का पुट ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। अनिल जी 2700 का पुट ऑप्शन जो करीब अभी 82 पे मिल रहा है, इसे बाय करना चाहिए, इसमें स्टॉप लॉस अनिल जी रहेगा 58 का, 58 के स्टॉप लॉस से आप बजाज ऑटो का पुट करिए, पुट बाय करिए 2700 वाला। इसमें जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है दैट कम्स टू अराउंड 128 एंड दूसरा टारगेट रहेगा 140, ये दो टारगेट के लिए बाय करें। नीचे में अनिल जी स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं 58 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से बजाज ऑटो में एक क्लियर रिवर्सल अनिल जी देखने मिला है, नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ इंडिकेटर में सेल क्रॉस ओवर, डेरिवेटिव देख रहा हूँ तो डेटा देख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे देखने मिल रहा है, और फाइनली अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो 200 डेमा से ब्रेक हुआ है तो नेट नेट मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 डेमा तक आना चाहिए, तो 2600 तक लेवल आएगा, 2600 तक आता है तो ये इजीली 128-140 का पुट ऑप्शन हो जाना चाहिए बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो यहाँ पर आप ब्रेकडाउन आते हुए देख रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी 3.5% नीचे है और अब आप बजाज ऑटो में प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं, लगभग 2.5% नीचे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑटो की बात कर रहे हैं, जमुना ऑटो पर भी नजर डाली, इनका मुनाफा आधा हो गया है चौथी तिमाही में, 543 करोड़ से 270 करोड़ का मुनाफा आया है, आय आधी हो गई है, मुनाफा अगर आप देखें तो वहां पर 1/3 हो गया है, 33 करोड़ से घटकर मुनाफा आया है सिर्फ 11 करोड़ का, और आय अगर आप देखें तो 543 करोड़ से घटकर आई है 237 करोड़ की, तो आय आधी हो गई है और मुनाफा 1/3 हो गया है जमुना ऑटो के लिए। कुणाल जी चार्ट्स जमुना ऑटो? देखिए सबसे पहले तो थोड़ा इलिक्विड काउंटर है दीपांशु, मुझे लगता है कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है, लेकिन कोई खास बिकवाली की राय नहीं है। सपोर्ट चार्ट पर दिखाई देता है 29 के आसपास, अभी 30.60 रुपये का भाव है, तो मुझे लगता है कि 29 के नीचे जाएगा तभी एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज जिनके पास पोजीशन है मेरी बने रहने की राय है। ओवरऑल टारगेट इसका 33 रुपये का है, लेकिन जिस तरह के स्टॉक का प्रोफाइल है इंट्राडे ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पर जचता नहीं है, तो आपको अगर लंबी अवधि के लिए रखना है तो 33-33.5 के टारगेट से होल्ड रखें, 29 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, ये है आपके लिए जमुना ऑटो पर राय, बट नतीजे खराब रहे हैं चौथी तिमाही के और काफी बड़ा हिट पड़ा है जहां तक आय मुनाफे दोनों का सवाल है। चलिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए सुमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। सुमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर क्या है स्ट्रैटेजी? गुड आफ्टरनून दीपांशु, दो स्ट्रेटेजी है मेरे पास, एक स्टॉक स्पेसिफिक है और एक इंडेक्स स्पेसिफिक है। तो पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में मेरे को यहाँ पे जो स्टॉक समझ में आ रहा है मंदी की तरफ का वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर लास्ट 3 दिनों से ऊपरी दबाव देखने को मिल रहा है,
141 इसका करंट मार्केट प्राइस है स्पॉट के हिसाब से। मेरे को लग रहा है कोल इंडिया में यहाँ से गिरावट बढ़ेगी और नीचे में 138-135 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए कोल इंडिया में 140 वाला पुट जो कि 5.25 रुपए अभी ट्रेड कर रहा है इसके अंदर खरीदारी करें। कोल इंडिया का 140 वाला पुट जो कि 5.25-30 रुपए के आसपास अभी अवेलेबल है इसमें खरीदारी करें। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं नीचे में 4 रुपए का। जो टारगेट मैंने कोल इंडिया के स्पॉट लेवल के हिसाब से दिए हैं 138 और 135 ये होने पे कोल इंडिया के पुट की जो वैल्यू है ऊपर में 7 रुपए से लेके 8 रुपए तक हमको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। 140 का पुट लेना है 7 से 8 के टारगेट के लिए 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके तो ये है आपके लिए कोल इंडिया, आप ऑप्शंस के जरिए इसकी वीकनेस प्ले कर सकते हैं। कोई और स्ट्रेटजी सुमित जी? हाँ, दूसरा इंडेक्स के ऊपर है। इंडेक्स में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज कंसोलिडेशन था लेकिन मोटा मोटी मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार छोटा सा दबाव और गिरावट देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए इंडेक्स में मेरे पास जो स्ट्रेटजी है वो भी पुट लेने की है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल की एक्सपायरी का निफ्टी का 10,000 का पुट लेना चाहिए जो कि 40 रुपए अभी सीएमपी पे अवेलेबल है। 40 होगा 41 होगा शायद, तो 40-41 के आसपास अभी अवेलेबल है 10,000 का पुट निफ्टी का। इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है नीचे में 10 रुपए का और मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में 10,000 के लेवल टूटने चाहिए कल तक। तो इसके जो टारगेट्स होंगे 10,000 के पुट के वो करीब करीब ऊपर में 80 से लेके 100 रुपए तक हमको देखने को मिल सकता है। 10,000 का पुट ले 40 रुपए में, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 80 से 100 रुपए के ऊपर के टारगेट होंगे निफ्टी का 11 जून का। बिल्कुल, तो एक्सपायरी कहाँ होगी कल? मेरे को नीचे लग रही है अनिल जी, मेरे को लग रहा है 10,000 के लेवल टूटेंगे और उसके नीचे के लेवल हमको देखने को मिलेंगे क्योंकि 2 दिन की अच्छी खासी गिरावट के बाद आज निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है तो ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। आपको टीसीएस रिलायंस पे भरोसा नहीं है क्या? कौन सा स्टॉक लिया, रिलायंस और टीसीएस? टीसीएस दोनों मिलके संभाले हुए अब तक तो पूरे देश को। बिल्कुल ये एकदम आपने सही कहा, आज जो निफ्टी नहीं गिरा है वो इन्हीं की वजह से नहीं गिरा है, तो आज इन्होंने बचाया है, कल कौन बचाएगा? तो कल नहीं बचेंगे, कल गिरेगा। चलो ठीक बात है, देखते हैं। तो दो कॉल हैं, दोनों में पुट ऑप्शन खरीदने की राय, वैसे जो सुमित जी कह रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। इस वक्त अगर आपको मंदी करनी भी है तो ऑप्शंस के जरिए करनी चाहिए। और कोल इंडिया का पुट ऑप्शन खरीदिए 140 रुपए वाला, 5.25 में मिल रहा है 4 रुपए का स्टॉप लॉस 7 से 8 रुपए के टारगेट के लिए। और निफ्टी में इस वक्त 10,070-75 पर स्पॉट निफ्टी चल रहा है। 10,000 वाला पुट ऑप्शन खरीदिए 40 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए की स्टॉप लॉस यानी कि 30 रुपए की मैक्सिमम रिस्क है। अब निफ्टी में 30 पॉइंट की रिस्क तो आप लेंगे 80 से 100 रुपए तक के टारगेट कल तक के लिए। कल की एक्सपायरी वाला ये ट्रेड है इस वक्त, यहाँ पर सुमित जी की तरफ से राय पुट खरीदने की आती हुई दिख। MGL ये देने वाला है नतीजे आज और इसका अनुमान लेकर हमारे साथ हैं संदीप बताने के लिए। संदीप बताइए। गुड आफ्टरनून सर, देखिए नंबर्स मिले जुले रहेंगे, इनकी जो आय और मुनाफा है दोनों में कमी आएगी। आय करीब 7.5% और मुनाफा 6% के आसपास इस बार गिर सकता है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारा अनुमान है कि वॉल्यूम 5% से ज़्यादा गिरेंगे। जो 3.1 MCMD के आसपास थे वो 2.9 MCMD हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल के मुकाबले CNG डिमांड वो ज़्यादा हिट हुई है तो उसका इंपैक्ट इस बार वॉल्यूम्स पे आता है वो दिखेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो ऑपरेटिंग आधार पे नंबर्स हैं वो आपको उतने कमज़ोर नहीं नज़र आएंगे। दरअसल 7.5% हम कह रहे हैं कि सेल्स गिरेंगे लेकिन उसके बावजूद कामकाजी मुनाफा महज 1.5% के आसपास गिरेगा और इनफैक्ट जो मार्जिन है वो तो इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। करीब 35% वाले जो मार्जिन है वो बढ़कर 37% के आसपास आएंगे और उसकी वजह यह है कि भले ही सेल्स कम हो रही है लेकिन इनपुट कॉस्ट इनकी कम होती हुई दिखेगी। वो इसलिए क्योंकि एक तो LNG की कीमतें जो स्पॉट LNG खरीदते हैं वो कम हुई हैं और दूसरी बात जो PMT की गैस आती है दोनों की कीमतें नीचे आई हैं लेकिन इन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट प्राइजेस हैं उसको कम नहीं किया है, जिस वजह से ओवरऑल इनकी जो कॉस्ट है वो कम होगी और मार्जिन वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी आपको इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। और 6% मुनाफा गिरना है क्योंकि बिक्री गिर रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आय मुनाफा भले ही गिर रहे हैं लेकिन ऑपरेटिंग आधार पे जो नंबर्स हैं वो इस बार आपको बेटर देखने को मिल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये होगा देखना कि रुपया कमजोर हुआ है इनके लिए एक नेगेटिव फैक्टर होता है, उसका मार्जिन्स की जो अपवर्ड जर्नी है जो एक सुधार हो रहा है मार्जिन्स में उस पर कितनी ज़्यादा असर देखने को मिला है, कितनी लगाम लगी उसे। और दूसरी बात, अब जब लॉकडाउन हट गया है तो वॉल्यूम जो अब गिर गए हैं इस तिमाही में जिसकी हम बात करें उसके बाद किस तरह का सिनेरियो बन रहा है, तो वॉल्यूम्स पे अपडेट और रुपये की कमजोरी का इम्पैक्ट, ये दो चीज़ें जो कि एनालिस्ट ध्यान से सुनेंगे। ओके तो ये है MGL पर आपके लिए। रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड करना चाहिए क्या? जरा जय इसके डेटा वगैरह देखिए और चार्ट्स भी देख लीजिए MGL। रिजल्ट आने वाले, रिस्क तो रहता है रिजल्ट के पहले, अगर आपको कुछ समझ में आता हो करने लायक है तो ठीक, नहीं तो छोड़ देते हैं।
अगर मैं क्लियरली एमजीएल में मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये स्टॉक में सपोर्ट अच्छा है नीचे में 960 का, अगर 960 के आसपास आता है तो इसे खरीदना चाहिए, अगर वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। इफ एट ऑल वी सी अ डिप नियर 960 तो बाय करें, डेफिनेटली 990 अभी एक डिप में डेफिनेटली इसे बाय इसीलिए करना चाहिए बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और इसमें ये सीरीज में अगर आप देखो तो एक अच्छा मूव आया भी था। केवल इतना है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू 960 के आसपास अगर आप खरीदते हो तो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 940 का, और अगर वो टिक गया तो फिर से हमें 1100 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे, तो बहुत ही बड़ी तेजी आ सकती है 960 के लेवल से। तो ये है आपके लिए एमजीएल पर राय इस वक्त आती हुई, नतीजे आने वाले हैं नतीजों के लिहाज से एक्शन। अच्छा, कल नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है नहीं, कल एक भी निफ्टी का या फिर एफएनओ का रिजल्ट नहीं है, तो कल थोड़ी शांति रहेगी रिजल्ट के हिसाब से, कोई ज़्यादा एक्शन होने वाला नहीं। लेकिन आज दो और स्टॉक है जिनके रिजल्ट आने हैं ना, सेंचुरी टेक्सटाइल और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो रिजल्ट के पहले मजबूती दिख रहा है मेरे ख्याल से, अभी भी 35 के आसपास मैंने देखा था श्रीराम ट्रांसपोर्ट चलता हुआ, तो यहाँ पर तो अच्छी मजबूती, जी हाँ 630 के आसपास है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट रिजल्ट के पहले किरण जी कोई ट्रेड करना चाहिए या छोड़ दे जाने दें इसे? श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे मेरा मानना है कि पैटर्न है वो प्रिटी न्यूट्रल है, अभी मुझे नहीं लगता कोई ट्रेड लेना चाहिए, ना तेजी ना मंदी। इम्पोर्टेंट लेवल 615 ऑन द लोअर साइड, 645-650 ऑन द हायर साइड, ये मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे रिजल्ट के बाद। ओके, रिजल्ट के बाद क्या क्या बताए, 615 नीचे और ऊपर 645-650 610-600। अच्छा, तो फिर ऊपर 645-650 बोल रहे हो आप, 5 रुपए का गैप रख रहे हो, तो नीचे भी मैं ना 610-615 कर देता हूँ। आज का लो 610 है, तो 610 के आसपास 610-615 ठीक है ना? तो चलिए ये है 610-615 और ऊपर में 645-650, इसके बाहर कहीं निकलेगा तो देखेंगे। वैसे आज फर्स्ट हाफ कमजोरी वाला था, अच्छा हुआ हमने फर्स्ट हाफ में आपको बोल दिया भाई एग्जिट कर लीजिए, निकल जाइए शांति से बैठिए। रिजल्ट के दिन बहुत ज़्यादा उठा पटक रिस्क लेने ठीक नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मेटल स्टॉक थोड़े थोड़े कमजोर हो रहे हैं वापस, आशीष सर क्या व्यू बन रहा है, क्या गिरावट में इन्हें खरीदना ही है ना, थोड़ा एक दो दिन ग्लोबल मार्केट्स का करेक्शन हो जाए अगर होना है तो वापस से लेना है इन्हें? नहीं अनिल जी, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करके ना वेट करनी चाहिए। टाटा स्टील 265-70-80-85 में हम बोलते थे कि मेटल सीमेंट से ज्यादा अच्छा लगता है। अनिल जी बहुत अच्छी मूव आई, 340 तक का टारगेट 40-45 का ही बना। हिंडाल्को जो पकड़ दिखा रहा है, लेकिन सेल में टाटा स्टील में थोड़ी वीकनेस दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि अनिल जी अभी इसमें ट्रेड में बने नहीं रहना चाहिए, एक बार को निकल जाना चाहिए, क्योंकि पेशेंटली थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अनिल जी अगर हम किसी लैगर्ड वाले सेक्टर के अंदर रह जाएंगे और अगर वो अब इस मूव के बाद वापस पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर हम फंस सकते हैं, तो इसमें इस चीज को बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो एक बार मुझे लगता है कि मेटल से नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट, जस्ट बिकॉज ऑफ द रन अप दे हैव ऑलरेडी हैड, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करके साइड पे बैठना चाहिए और अप्रोप्रिएट एंड अपॉर्चुन टाइम पे इसको दोबारा एंटर करेंगे। आपको क्या लगता है आशीष सर, लोगों को प्रॉफिट होगा? अरे एक चीज बताओ, प्रॉफिट होता है तो सब लोग सब मानते हैं, हम समझदार हैं, हमें बात पता है। वो प्रॉब्लम है ना, एडवाइस और राय और सलाह की जरूरत तो तभी पड़ती है जब लॉस में हो, उसका क्या करना है, जो लॉस में उनका क्या करना है? अच्छा अनिल जी, मैं एक चीज बताता हूँ फिर, ये ना बहुत अच्छी आपने इंटरेस्टिंग चीज पूछी है जी। इसके ना दो कारण होते हैं अनिल जी, एक कारण तो ये होता है कि हर वक्त ट्रेड करना है मेरे को, जो ये वाली प्रॉब्लम है ना, हर वक्त ट्रेड करना है और हर वक्त ट्रेड में बने रहना है। तो कोई भी अगर मुझे से एनालिस्ट से पूछेगा, क्योंकि इस मार्केट में सर सारे पंडित हैं, जो टर्मिनल के आगे बैठा हुआ है सब ज्ञानी है, तो जब पूछोगे क्या लगता है, कुछ लगता है, तो मेरा मानना यह है कि सर 50% टाइम ऐसा लगता है कुछ नहीं लगता, तो कुछ नहीं लगता हमें तो कुछ नहीं करना, बट हमें टेम्पटेशन इतनी होती है कुछ करने की, तो एक रीजन तो ये लॉस का होता है। दूसरा चीज होता है अनिल जी, एक रिपेयर ट्रेड होता है, रिपेयर बहुत जरूरी होता है जो मार्जिन ना होने की वजह से नहीं हो पाता। अब मुझे कई बार ये पूछेंगे, अब जैसे भारती हमारी लॉन्ग कॉल है सर, परपेचुअल में बायर हूँ भारती में, भारती मतलब 560 से 590 होता है, 70 से 90 होता है, फिर वो सबका निकलता है, लेकिन जरूर कोई ना कोई होगा जो 60-70 में नहीं लेगा, जो 80-90 में ले लेगा, फिर वो 70 आ जाता है, पूछने लग जाता है भारतीय में क्या करना है। तो मैं ही बोलूंगा कि ऐसी ट्रेड के लिए रिपेयर ही होता है। ये आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा, अगर किसी ने भारतीय 570-80 में लिया है और अभी उसको लगता है कि नहीं, तो उसको 570-80 की कॉल बेच देनी चाहिए। 20-20 रुपए की कॉल बिक रही है अनिल जी, 570 की कॉल भारती की 20 रुपए है, तो आपको 20 रुपए 570 से कवरेज मिल जाती है। टाटा स्टील अगर कोई 330 में फंस गया है या 340 में, 330 की कॉल बेच दो, हो सकता है प्रॉफिट नहीं आए, लेकिन
लेकिन उस लॉस को बचाया जा सकता है। तो अनिल जी, सफिशियंट मार्जिन ट्रेड करने के लिए इस मार्केट में बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेड राइट होगा तो ठीक बात है, लेकिन रॉन्ग होगा अगर आप डेरिवेटिव्स में हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि उस ट्रेड को रिपेयर कर सकते हैं। तो अनिल जी, क्या होता है जो डायरेक्ट क्लाइंट जो कांस्टेंट टच में रहते हैं या जिनके साथ वो रहते हैं, ऐसा नहीं है ट्रेड गलत नहीं होगा, आपने भी जैसे बोला गलत तो होगा, लेकिन उसको रिपेयर करना भी आना चाहिए। तो आई थिंक दैट रिपेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मार्जिन चाहिए होता है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। कुणाल जी कुछ कहना चाहते थे, उसके बाद सुमित जी हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे लेंगे हम उनकी बीटीएसटी पिक। सुमित जी ने स्पेशली रिक्वेस्ट करके कहा है कि मैं बीटीएसटी कॉल्स कुछ बहुत बेहतरीन आ रहे हैं जो देना चाहता हूं, और उनके ठीक पीछे फिर भसीन साहब भी हमें बीटीएसटी कॉल्स दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले विशेष टिप्पणी के लिए चलते हैं दिल्ली कुणाल जी के पास। जी अनिल जी, मेरे एक छोटा सा इस पे ऑब्जर्वेशन था, बिल्कुल सही कह रहे थे आशु जी अभी। अनिल जी देखिए, क्या है कि लोगों का ऑलरेडी एक मन बना हुआ होता है, वो सिर्फ कंफर्मेशन चाहते हैं एडवाइजर से, जैसे कि पहले से ही सोचा हुआ होता है कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं, एग्जिट करेंगे नहीं, गिर भी जाएगा तो एवरेज करेंगे, ये धारणा उनके मन में ऑलरेडी होती है। वो अपने एडवाइजर से सिर्फ यही सुनना चाहते हैं जो उनके मन में ऑलरेडी होता है, इसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या होती है अनिल जी ट्रेडर की, जिसकी आप एडवाइस लें उसकी एडवाइस पर उसको पूरी तरह मानना बहुत जरूरी है। अपने पूर्वाग्रह को अगर आप एडवाइजर पे थोपेंगे अनिल जी, तो उसका कभी भी कोई परिणाम अच्छा नहीं रहता है। ओके, ठीक बात है। तो चलिए, ये है, और उसके ऊपर अगर जो एडवाइजर है ना उनकी पोजीशन के विपरीत बोल दे तो जो मन में पानी पी पी के गाली देते हैं, अरे एक तो मेरा पहले से लॉस में चल रहा है, ऊपर से इन्होंने बोल दिया कि भेज दो, फिर तो भाई जो दुआएं बद्दुआएं मिलती है बस आप सोच ही सकते हो। ओके, एनीवे, चलिए बिगुल बीटीएस डबल टी का इस वक्त सुमित जी। आता हूं सर मैं आपके पास वापस, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से मैं पहले कॉल ले लूं सुमित जी से। सुमित जी बताएं। अनिल जी, कल हमने पीवीआर को सेल दिया था और वहां से करीब करीब 8 से 10 टका स्टॉक नीचे आया है। वैसे ही कंडीशन मेरा अभी एक स्टॉक में आया है सेल साइड के लिए, काफी जोर से गिरा, बिल्कुल बहुत जोर से गिरा, और आज भी देखिए डेज दो पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब मंदी एकदम देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। तो अभी जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो भी सेल साइड का ही है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है 980 का भाव है टाइटन, स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक में मेरे को ऐसा लग रहा है डबल टॉप बन रहा है, तो जब तक स्टॉक ऊपर में ट्रेडिंग के लिहाज से 1000-1010 और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से 1030-40 का लेवल नहीं तोड़ेगा, तब तक कोई भी उछाल में टाइटन को सेल करना है। टाइटन में जिस तरह का कैंडल बन रहा है और जिस तरह का पैटर्न बन रहा है उसको देखते मेरे को लगता है कि टाइटन यहाँ से गिरावट दिखाएगा, जिसमें 950 का होगा पहला टारगेट, और मेरे को तो ओवरऑल ये नीचे में लगता है 920 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। टाइटन में 950 से लेके 920 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेल करें, ट्रेडिंग के लिहाज से 1000 के ऊपर का लगाए स्टॉप लॉस, 1-2 दिनों में इसके अंदर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलना चाहिए। ओके, आपको इसमें शुभकामनाएं आशीर्वाद की जरूरत हो सुमित जी तो बता दें मुझे। हाँ अनिल जी, हमेशा जरूरत रहेगी। हाँ, मंदी करनी हो टाइटन में करनी हो और उसके ऊपर आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिल जाए आशु मदान जी से तो कहने ही क्या। आशु जी जरा इनको आशीर्वाद दे दीजिए आप। अनिल जी, अब पता नहीं वो मुझे देंगे या मैं उनको दूंगा, ये तो टाइम बताएगा। नहीं, ठीक बात है। थोड़ी देर पहले आशु सर ने भी टाइटन शॉर्ट करने की राय दी थी 985 में, 1010 का स्टॉप लॉस, 925 और 900 तक के टारगेट के लिए, तो सुमित जी की भी राय वहां पर शॉर्ट। सुमित जी, और कोई स्टॉक है या एक ही है बीटीएसटी? बस अनिल जी आज एक ही है, बाकी अब कल देखेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सुमित जी, स्पेशल बीटीएसटी के लिए धन्यवाद आपका, और स्पेशल बीटीएसटी के लिए स्वागत है अब भसीन साहब का। सर स्वागत है आपका, कोई अपडेट देना चाहते हैं तो बताएं सर। सर अपडेट तो आपको बताया, जितनी बाय कॉल थी सारी वैसे के वैसे चल रही है, और हमें कह रहे हैं, हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन में उनमें अच्छे रिटर्न आएंगे। इंडिया बुल, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, टीसीएस, आईटीसी, ये सब आपको टीसीएस में बुक करा दिया। अब उसके कॉन्ट्रा, क्योंकि बाजार में रिस्क दोनों तरफ है और मुझे लगता है कुछ सेक्टर बहुत वीकनेस दिखा रहे हैं, तो दो सेल कॉल है फॉर बीटीएसटी फॉर टुमारो सर। बताएं सर, सेल कॉल है, वाह वंडरफुल, क्या बात है।
बताइए सर, पहला कॉल? पहला कॉल है सर महिंद्रा 472 का भाव है, 400 साढ़े 76 का स्टॉप लॉस रखिए और 400 450 से 452 का टारगेट। ओके, 452 450 452 450 ये टारगेट बनेंगे। M&M महिंद्रा शॉर्ट करना है आपको 472 के आसपास, 472 के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस है 476 हाफ, 476.50 का ये स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पर मंदी करने की राय है। ओके, M&M में। दूसरा स्टॉक सर? सर दूसरा है नेस्ले, 16450 चल रहा है, 16450 से 16500, 16811 का स्टॉप लॉस और 16000 का टारगेट। ये सर 16811 कहाँ से आया? 800 तक तो ठीक है, 11 का आंकड़े का क्या मतलब सर? 11 का मतलब ये है कि कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है 5 टेक्निकल लेवल से, तो 10 पॉइंट और आपको बचाने के लिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। 11 का आंकड़ा शुभ भी होता है, इसलिए स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। 16811 बसिन साहब का स्टॉप लॉस का लेवल। सर एक बार टारगेट फिर से बताएं प्लीज। 16000 का टारगेट सर, द वीकेस्ट स्टॉक ऑन द FMCG फुली प्राइस इज नेस्ले और टेक्निकली भी बहुत वीक लग रहा है। बिल्कुल, और आपने पहले भी एक दो बार नेस्ले पर जब जब शॉर्ट साइड पर कॉल दिए वो टारगेट सारे हिट होते हुए दिखे हैं। तो दो कॉल हैं, दोनों ही शॉर्ट साइड पर हैं BTST के तौर पर, जिसे आप STBT भी कह सकते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो। सर ये दोनों ही हैं, और भी कुछ सर? ओके, ये दोनों कॉल हैं बसिन साहब की तरफ से, जिस पर आपको करना है फोकस। महिंद्रा एंड महिंद्रा बेचे, नेस्ले बेचे, ये दोनों ही कॉल बसिन साहब की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। आइए, कुणाल जी और राकेश जी भी तैयार है अपने चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, एक स्टॉक है 26% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है आज की, बिल्कुल पूरी इंट्राडे में जितनी भी निफ्टी ने जितनी बार गिरा है बिल्कुल नहीं गिरा ये स्टॉक। स्टॉक है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें भी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में भी, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, और अगर आप इसका चार्ट देखें, इंडसइंड बैंक का देखें, RBL बैंक का देखें, तो लगभग आप देखेंगे आइडेंटिकल चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं, और जिस तरह का ब्रेकआउट उज्जीवन में आया है बिल्कुल उन्हीं स्टॉक्स की तर्ज में इस पर भी आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो यहां पर खरीदें, 204 रुपए का 204 का स्टॉप लॉस रखना है, 204 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 221 रुपए का 221 का, और दूसरा टारगेट 229 रुपए का 229 का होगा। तो 221 229 के टारगेट के लिए खरीदना है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। और स्टॉप लॉस सर 204 रुपए का स्टॉप लॉस है, 204। ओके, 204 स्टॉप लॉस का लेवल है, 221 221 229 229 ये टारगेट आपके लिए। आइए अगला बिल्कुल वागले साहब के लिए BTST का। अनिल जी, मेरा कॉल, अनिल जी मेरा भी स्टॉक यही है, और मेरा डिस्क्लोजर ये है कि हमने 209 में, हाँ हमारे हमने 209 में 209 में क्लाइंट्स को दिया है, और मेरा टारगेट लगभग 216 से 218 है, और ये BTST करके चले आपको कल 7 से 8 रुपए कल मिलने चाहिए, आपका स्टॉप लॉस 207 का होना चाहिए। ओके, 207 का स्टॉप लॉस है, 216-218 BTST टारगेट है, लेकिन ये याद रहे कि 209 में उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी बोला है, तो आप वो डिस्क्लेमर और ये ट्रांसपेरेंसी आपको सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर मिलेगी, कि अगर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे उनके क्लाइंट्स को अगर कहीं कॉल दे रहे हैं तो वो आपको डिस्क्लोज कर रहे हैं, डिस्क्लेमर दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आपको ये ना लगे कि भाई ऐसा हो गया। ओके, आइए अगला कॉल है आशु सर के लिए BTSTT का। बताएं सर। अनिल जी, कॉल एक्सपायर्ड। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आई थिंक, मुझे लगता है कि रिसर्च माइंड्स थिंक अलाइक, बट मेरा रिसर्च माइंड नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अनिल जी 2 मिनट पहले मुझे रिसर्च से मैसेज आया हमारे कि बाय उज्जीवन, और मैंने आपको मैसेज किया कि BTST देनी है,
और वही कॉल कुणाल जी और राकेश जी ने दी और वही वागली जी ने दी, तो वो उस कॉल का कोई अब लॉजिक नहीं आने दी। वो जीवन की कॉल ही थी 207.8 पे, 200 रुपए के स्टॉप लॉस है 225, तो वो ऑलरेडी कॉल हो चुकी है अनिल जी। लेकिन मैं एक चीज और जरूर बोलूंगा, जो मैंने अभी ये स्प्रेड और इसके बारे में बात की, आप मुझे नहीं पता आप किस कैंप में है, आज कैंप सारे बटे हुए हैं, अगर आप पॉल भी करा लें, मेरा मानना है कि एक्सपायरी 10,000 से ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी, और 10,000 से अच्छी खासी ऊपर हो सकती है। तो मैं इसलिए 10,100 की पुट ली और 10,000 की पुट्स दो बेची हैं। मैं प्लेन वनीला पुट लेने के हक में नहीं हूं, और मेरा ये कैवियट है कि ये मुझे अनिल जी वैसे भी मैं एक बात बताता हूँ, प्लेन वनीला कॉल पुट है ना, आपको एक चीज बोलता हूँ कि मतलब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप तो खैर आंसर वो है, कॉल पुट प्योर लेना इज द मोस्ट हाईली डेप्रिशिएटिंग एसेट इन द वर्ल्ड। जैसे कहते हैं ना, कार इज द हाईली डेप्रिशिएटिंग एसेट, के शोरूम से निकली और सीधा 10-15% डाउन हो गई, ऐसे ही कॉल पुट की वैल्यू एनएल जी जैसे ही ली, मतलब आपके लेते ही वो डाउन हो गई। तो मैं समहाउ मार्जिन देने में बिलीव करता हूँ, लेकिन दूर दूर की कॉल पुट लेने में नहीं। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ अनिल जी, मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू है कि एक्सपायरी 10,000, निफ्टी 10,000 के ऊपर रहेगा, एक्सपायरी भी 10,000 के ऊपर रहेगी। ओके, ठीक बात है, चलिए ये है आपके लिए राय। इस बीच जय टक्कर तैयार है अपने कॉल के साथ, और वो कॉल है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। जय जी बोलिए जी। फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्टॉक्स आज काफी अच्छा कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में जो हिसाब से अपने 40 डेमा से एक अच्छा रिवर्सल दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी पीएसयू इंडेक्स ही हमें एक ऊपर अच्छा मूव दिखाना चाहिए। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 1450 का लेवल निकाल देगा, 1450-1480 तक के लेवल्स दिखाएगा, इसीलिए कैन बैंक का 105 का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। जो अगर आप देखें तो कैन बैंक का 105 का कॉल ऑप्शन अनिल जी मैं कहूँगा कि करीब करीब अभी 7.5 के आसपास मिल रहा है, इसे खरीद कर चलना चाहिए। बिकॉज अनिल जी इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग अगर आप देखें ऊपर में तो मैं कहूँगा कि कैन बैंक मुझे 110 से लेके 112 तक के लेवल्स नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए ये कॉल ऑप्शन का पहला टारगेट रहेगा लगभग 11 रुपये का, और दूसरा टारगेट बन जाएगा 13 रुपये, 11 और 13, ये दो टारगेट्स के लिए कैन बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदने का है। 105 वाला अनिल जी इसमें स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 5.50 रुपये का। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो काफ़ी बढ़िया हो रहा है, और भसीन साहब ने इनफैक्ट PNB बैंक ऑफ बड़ौदा दे ही दिया, इनफैक्ट वो मुझे भी देना था ही, बट देन मैं सोचा कि दूसरा कोई PSU बैंक देख लेता हूँ, तो इसीलिए मुझे कैन बैंक एक अच्छा चार्ट सेटअप लगा। और अगर ओपन इंटरेस्ट की बात है, जैसे उज्जीवन में राकेश जी ने बताया कि 26% का OI बढ़ा है, तो यहाँ पे भी करीब करीब 22-23% का ओपन इंटरेस्ट हमें बढ़त देखने मिल रही है कैन बैंक में भी। सो ये भी एक अच्छा विकल्प है इनफैक्ट अगर किसी को फाइनेंशियल्स में जाना है। अनिल जी इसके साथ ही साथ मेरा एक BTST भी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं देना चाहूँगा। अरे बिल्कुल सर, बिगुल भी तैयार है, BTST का बिगुल जय सर के लिए। बताएं सर। अनिल जी दो दिन पहले हमने चोला फाइनेंस पर 150 का कॉल ऑप्शन दिया था, और उसके सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, और अब मुझे ऐसा लग रहा है चोला फाइनेंस का फ्यूचर लेके चलना चाहिए, जो 157 रुपए पे चल रहा है, इसका स्टॉप लॉस अनिल जी हम रखेंगे नीचे में। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अनिल जी तो अच्छा खासा मैं कहूँगा 151 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में पहला जो टारगेट बन रहा है 164 का बन रहा है 164, और वो लेवल निकालता है अनिल जी अगर इस टाइम चोला फाइनेंस, देन आई थिंक इट कैन डेफिनेटली गो टू 175। रीजन ये है क्योंकि इसमें एक क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना है, और कहीं ना कहीं उसका राइट शोल्डर खत्म हो चुका है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स अनिल जी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ बाय क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, केवल इतना है कि उसका 50 डेमा का रेजिस्टेंस निकल जाएगा, वो निकलता है तो ये स्टॉक में डेफिनेटली ब्रेकआउट आ जाएगा, इसलिए मैंने नेकलाइन का ही पहले टारगेट दिया, नेकलाइन का टारगेट मतलब 164 का, वो निकलता है तो लगभग 175, ये दो टारगेट्स के लिए चोला फाइनेंस का फ्यूचर खरीदना है, स्टॉप लॉस रहेगा 151 का। ओके, 151 के स्टॉप लॉस से चोलामंडलम फाइनेंस की खरीदारी करनी है, 164 और 175 के टारगेट लिए। आप पिछले कुछ मिनटों में बड़ी तेजी से एकदम बैंक निफ्टी भागा है, और बैंक निफ्टी अब दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुका है 21,225, क्या बात है, 500 पॉइंट का बड़ा छलांग आता हुआ दिख रहा है, और निफ्टी 10,150 के लेवल पर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी 1% मजबूत है, बैंक निफ्टी 2.5% मजबूत है। आशु सर समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, ये अचानक से पिछले 10 मिनटों में बड़ी तेजी बनी है, और वो भी तब जबकि डाउ फ्यूचर्स अभी भी 50 पॉइंट नीचे है, कुछ ना कुछ क्या भारतीय बाजारों से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आने की संभावना है?
अनिल जी, अच्छी खबर नहीं है, ये क्लोजिंग की शॉर्ट कवरिंग है, इसलिए मैं दोबारा से अभी ये चीज बोल रहा था कि शॉर्ट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अनिल जी, मैंने अभी शो के पहले में ही बोला था, लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट शॉर्ट बने, मार्केट में शॉर्ट भी हैं अब तो बाकी लोग भी, लेकिन अनिल जी कुछ भी कन्विंसिंग शॉर्ट नहीं है, कुछ भी कन्विंसिंग शॉर्ट नहीं है। और मैं आपको मॉर्निंग में भी सुन रहा था कि आखिरी 2-5% नीचे में ऊपर में छोड़ना पड़ता है, तो अभी वो अगर वो जब कन्विक्शन आएगी तो हो सकता है 9900 पे शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन अभी अनिल जी कोई शॉर्ट नहीं करना है, कोई ऐसा कुछ रुझान बन ही नहीं रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे मुझे लगता है कि लोग शॉर्ट हैं। अभी आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी अनिल जी कि छोटा लॉस है ना वो बुक हो जाता है, बड़ा लॉस नहीं बुक होता। तो निफ्टी ना कोई 10,000 10,000 100 पे शॉर्ट नहीं है, जो शॉर्ट है ना वो 9,000 से लेके 9,500 वाले शॉर्ट है। और जैसा आप कई बार बोलते हैं कि ढीट है, या मैं बोलता हूं कि जांबाज हैं शॉर्ट वाले, वो बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं। तो नहीं जी, जब तक वो डेटा जो सिनेरियो है वो नहीं होता, और अभी भी पुट्स नहीं बिकी हुई है, कॉल्स ही बिकी होंगी ऊपर की, तो ये शॉर्ट कवरिंग वाला है इसमें मार्केट में नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट तो नहीं करना। अभी वो स्प्रेड 10,100 200 अनिल जी इतना नीचे आ गया था, जब 10,050 लग रहा था कि स्प्रेड का मतलब क्या है, और 15 मिनट में देखिए वो स्प्रेड कितना बेनिफिशियल बन जाता है। इसलिए अनिल जी, ये 400-500 पॉइंट का जो हम बना के रखते हैं, मुझे लगता है कि ये बेटर कंफर्टेबल रहता है। और बैंक निफ्टी तो अनिल जी, मैं तो कहता हूँ ना, मेरी हिम्मत ना हैसियत, वो तो आपकी प्रॉपर्टी है। नहीं, ठीक बात है, ये तो बिल्कुल चलता ही रहेगा, और इस बीच आखिरी मिनटों में बड़ी तेजी बनी। एक्सपायरी का ऑप्शन ले लेते हैं जल्दी से, और इसके लिए बिगुल है श्रीकांत चौहान साहब के लिए। श्रीकांत जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट ने आज के दिन में अच्छा खासा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है, और 10,000 के लेवल को जो एक डिफेंड करना चाहिए था उसने इतने बड़े तेजी के बाद, वो भी उसने कर लिया है। तो मुझे लगता है कि 10,100 का कॉल लेके जाना चाहिए, जो चल रहा है 85 रुपीज के करीब, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है अनिल जी एट 40 रुपीज, 40 रुपए के करीब। और मुझे लगता है कि निफ्टी शायद वापस एक बार 10,250 10,230 के करीब जा सकता है, जहाँ पे कॉल राइटर्स का एक पेन पॉइंट खड़ा है, तो वहां तक मार्केट भी जा सकता है। तो यहाँ पे टारगेट रहेंगे 160 रुपए। अच्छा, ये अगर श्रीकांत जी, अगर समझो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं घंटे भर आपसे पहले, अगर घंटे डेढ़ घंटे पहले अगर मैं आपसे एक्सपायरी का ऑप्शन ले लेता, तो भी आप कॉल ऑप्शन ही देते या पुट ऑप्शन देते? अनिल जी उस वक्त बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डबल बॉटम बनेगा कि नहीं बनेगा उसका मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैं जस्ट ये सोच रहा था और देख रहा था कि अगर डबल बॉटम बना ले तो अच्छा है। ठीक बात है, यही बाजार की खूबसूरती है कि देखिए दिन भर ऐसा रेंज में ट्रेड करके आखिरी मिनटों में तेजी होती दिख रही है। और ये खास तौर से इसलिए इम्पोर्टेंट है, पिछले 2 दिनों से अगर आप देखिए कि लगातार आखिरी घंटे में बाजार कमजोर होता दिख रहा है, आज आखिरी घंटे में भी नहीं, आखिरी 15 मिनट में 20 मिनट में तेज होता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत जी, और भी कोई ऑप्शन है या ये एकमात्र है? नहीं, मुझे लगता है कि इसके साथ साथ है ना, जितने भी जो मिड साइज बैंक है उनमें काफी अच्छी तेजी बनेगी, और ऑप्शन ट्रेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बंधन बैंक एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम बाय करके जा सकते हैं। इनफैक्ट सभी के रडार लिस्ट पे आ चुका है ये स्टॉक, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा कि इसमें अच्छा खासा एक असेंडिंग ट्रायंगल बना है, और पिछले 3 दिन से इसने एक प्राइस गैप को मेंटेन किया है, आज के पैनिक में भी उसी प्राइस गैप को उसने मेंटेन किया है और एक रिकवरी पैटर्न बनाया है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये स्टॉक 290 से लेकर 300 के लेवल दिखा सकता है, तो इसे बाय किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, तो यह है आपके लिए बंधन बैंक में भी राय खरीदारी की। आइए अब फोकस करते हैं एक ऐसे स्टॉक पर जहां पर इंटरेस्ट सबका है, लेकिन बात कोई ज्यादा करता नहीं है, अभी 2-4 दिनों को छोड़ दें, और वह है वोडाफोन आइडिया। एक्सेप्ट 10 रुपए 80 पैसे के बड़े टारगेट के लिए जो खरीदारी की राय दी थी कुणाल जी, राकेश जी ने, तब मैंने भी ऐसे घूर घूर के देखा था उनको, मैंने कहा ये क्या कर क्या रहे हैं भाई, लेकिन वो टारगेट भी हासिल हुआ, उसके ऊपर भी निकला, और अचानक से सब लोगों का व्यू वोडाफोन आइडिया के लिए बदलता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे लोग हैं जो काफ़ी लोग इस भाव पर वोडाफोन आइडिया को खरीदना चाहते हैं, और साथ ही कई लोगों को लगता है कि 3 वाला 12 हो गया, अब नहीं, तो बुल वर्सेस बेयर, वोडाफोन आइडिया में तेजी और मंदी के तर्क क्या है, आइए जानते हैं कुशल से।
बिल्कुल अनिल जी, तो इसमें चार पॉइंट्स है मेरे पास डिस्कस करने के लिए, जिसमें पहला कारण और जो सबसे बड़ा ट्रिगर अभी बना था हाल फिलहाल, जिसमें जिस वजह से वोडाफोन आइडिया में इतनी तेजी बनी, वो थी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई थी 29 मई को, जब उन्होंने कहा था कि गूगल जो है वो 5% हिस्सेदारी जो है वोडाफोन आइडिया में खरीद सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर गूगल जैसा जो दिग्गज है जायंट, टेक जायंट, वो अगर इन्वेस्ट करता है तो बाकी निवेशकों का इंटरेस्ट भी हो सकता है वोडाफोन आइडिया में बनता हुआ नजर आए। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको इसमें काफी ज्यादा बाइंग देखने को मिली थी हाल फिलहाल पिछले 10-12 दिनों में। पर और साथ साथ अगर आप ऑन द फ्लिप साइड देखें तो यहां पर गूगल का जो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज है वो केवल 5% था। तो यानी कि अगर आप उस टाइम के मार्केट कैप से बात करें, जब 29 मई को जो मार्केट कैप था उस हिसाब से केवल 1,000 करोड़ रुपए की ही इन्वेस्टमेंट जो है गूगल से एक्सपेक्टेड थी, जो कि अगर आप एजीआर बकाया देखें 45,000 करोड़ रुपए का है, और साथ ही अगर टोटल नेट डेट देखें तो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की नेट डेट है। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े जो इनकी लॉसेज हैं और जो एजीआर बकाया है उसको चुकाने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट्स कभी भी काफी नहीं होती है, और इसी हिसाब से इनको काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर चाहिए था। साथ ही दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो दिसंबर में जो टैरिफ हाइक किए गए थे उस हिसाब से अब इन्वेस्टर जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके आरपू जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स, इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट सीएलए से ये मान रहा है कि FY22 तक आपको वोडाफोन आइडिया के आरपू में 30-35% की बढ़त देखने को मिल सकती है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हेवी डेट है अभी कंपनी की बुक्स पर और साथ ही जो एजीआर बकाया है 45,000 करोड़ का, वो एक काफी बड़ा ड्रैग बन सकता है इस स्टॉक के लिए। तीसरा बड़ा पॉइंट अगर आप देखें तो सरकार का इंटेंशन डेफिनेटली है कि थ्री प्लेयर टेलीकॉम स्पेस ये बनाकर रखे, तो क्योंकि उनका जो भी स्पेक्ट्रम चार्जेस और जो टैक्सेस सरकार की आती है वो आती रहेगी, बट अगर वो बंद हो जाएगा तो ये इनके लिए एक नेगेटिव ट्रिगर बन सकता है, और ऊपर से बैंकिंग सेक्टर जिनका एक्सपोजर है वोडाफोन आइडिया में वो भी काफी दबाव में आ सकते हैं। पर ऑन द फ्लिप साइड सरकार की इंटेंशन तो है पर वो दिख नहीं रहा है कन्वर्ट होता है वो उनके डिसीजंस में, और अगर आप देखें तो एजीआर बकाया पर सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिलती हुई नजर आई है। इनफैक्ट अगर आप चौथा पॉइंट की तरफ भी नजर डालें तो वैल्यूएशन वाइज लोगों को बहुत ही ज्यादा ये अप्रोप्रिएट लग रहा है अभी इस भाव पे खरीदना, इनफैक्ट काफी एनालिस्ट भी मानकर चल रहे हैं, क्योंकि एयरटेल का मार्केट कैप देखेंगे तो 3,00,000 करोड़ से ज्यादा का है, और वोडाफोन अभी अगर आप देखेंगे तो वो 1/10 मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन फ्रंट पर काफी ज्यादा सस्ते दाम पर है। पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2018 यानी कि 56 रुपए का भाव था, उस भाव से अभी 82% नीचे ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं अभी भी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। इनफैक्ट सीएलएसए का जो 12 रुपए का टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो हो सकता है कि उस टाइम के बाद अभी पिछले 1-2 दिन में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन पर बुल वर्सेस बेयर। आखिरी मिनट है, जल्दी से एक बार राकेश जी चार्ट पर आप राय दीजिए, वोडाफोन 10 रुपए 80 पैसे के आसपास 10-50 पे ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए, बाय सेल नोटा? नहीं अनिल जी, नोटा तो बिल्कुल ही नहीं है, टेक्निकल रुझान इसका काफी पॉजिटिव है, नीचे में 9 रुपए 10 पैसे 9 रुपए 20 पैसे एक अच्छा बेस है, और स्टॉक एक बार 12 रुपए 50 पैसे के लेवल्स को तोड़ेगा तब बड़ा मूव बनाएगा। यहाँ पर अनिल जी बेस बना रहा है, एक दो चीजें अनिल जी रह गई, देखिए पिछले साल सेकंड हाफ में 2019 के बिरलास ने 45 करोड़ का वोडाफोन आइडिया का स्टॉक मार्केट से खरीदा है, राधाकृष्ण दमानी के पास 3,70,00,000 शेयर है अनिल जी, इन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और आप तो अनिल जी खुद मारवाड़ी है, तो बिरलास ने ये 45 करोड़ रुपए हालांकि छोटा सा अमाउंट है उनके लिए बट उन्होंने इसको जीरो करने के लिए नहीं खरीदा होगा, तो कुछ ना कुछ मैं तो अनिल जी वोडाफोन में बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और मेरा टारगेट है 85,000 करोड़ की मार्केट कैप वोडाफोन की देखने को मिलेगी। बड़े टारगेट्स आ सकते हैं वोडाफोन में, पर जल्दी से अनिल जी की स्ट्रेटजी ले लेते हैं मार्केट्स बंद होने से पहले। अनिल जी, ग्लोबल अपडेट वैसा ही है, डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे और यूरोप के बाजार लगभग 0.5% नीचे। दीप, आखिरी आधे घंटे में जो बाजार तेजी से भागे दिन के हाई पॉइंट पर बंद हो रहे हैं उसका रीजन मुझे समझ नहीं आया, या तो बाजार को कल कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद है या 12 जून को जो परसों सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है, आपको याद है कल भी हम बात कर रहे थे कि कोई अगर ऐसी खबर आ जाए तो क्या बड़ी बात है कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता, आज सुबह बात कर रहे थे कल कर रहे थे कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये हलफनामा दे देगी नहीं
आज सुबह की बात है जी हाँ, आज सुबह की बात है कि भाई बैंक इंटरेस्ट ये जो इंटरेस्ट है लोन पर जो सुप्रीम कोर्ट वेव करने की बात कर रहा था, तो कुछ भी हो सकता है उस खबर पर बढ़ रहा हो, किस वजह से बढ़ रहा है। देखिए ग्लोबल सीनेरियो देखकर तो आपको न्यूट्रल होकर जाना चाहिए। मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर सुबह हम यही कह रहे थे कि 10,000 के नीचे बंद नहीं होगा और आपको शॉर्ट भी काटनी चाहिए, अब यहाँ पर आपकी तेजी की पोजीशन है तो भी कम कर लेनी चाहिए, अनलेस कि आपको पता हो कुछ खबर आने वाली हो, मुझे तो नहीं पता। और डाउ फ्यूचर्स चूंकि फ्लैट है तो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरनाइट रिस्क क्यों रखनी है, कल वापस ले लें। और अगर आपको रिस्क रखनी है, रखना चाहें तो भी हर्ज नहीं है, बाजार मजबूती के साथ बंद हो रहा है। हाँ, शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, ये साफ दिख रहा है कि शॉर्ट पोजीशन में रिस्क ज़्यादा दिख रही है। मजबूत क्लोजिंग हो रही है, तकनीकी तौर पर मजबूत है, डाउ फ्यूचर्स 85 पॉइंट नीचे है, और जिस तरह की एग्रेसिव खरीदारी हुई, भले ही आशु सर कह रहे हैं शॉर्ट कवरिंग है, मैं भी मानता हूँ शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग ऐसी एक्सपायरी के दिन दिखे वो तो समझ में आता है, एक्सपायरी के एक दिन पहले क्यों, क्या कल मार्केट खुलेगा नहीं, क्या खुलेगा, पूरे दिन ट्रेड होगा, 3:30 बजे एक्सपायरी होगी, उसके पहले आज की 3:30 के पहले एक्सपायरी की तरह कवर करने का मतलब क्लियर है कि या तो किसी को कुछ पता है कि कोई अच्छी खबर आने वाली है, इसलिए लोगों को हड़बड़ी है जल्दबाजी की, ले लो कल मिलेगा नहीं, अब वैसा है तो फिर शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं। तो पॉइंट सिंपल है, शॉर्ट ना रहें, लॉन्ग साइड पर रहें, और अगर आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है तो लॉन्ग भी बुक कर लें, कल फिर खुलेगा मार्केट 9:15 से 3:30 तक, आपके पास टाइम ही टाइम है खूब करने के लिए, क्यों जल्दबाजी करना है, क्यों हड़बड़ी का। लेकिन आशीष सर इसी पर विशेष टिप्पणी कर दीजिए, शॉर्ट कवरिंग आज क्यों, ये तो कल होनी चाहिए। नहीं जी, वो मैं उसका रीजन बताता हूँ, उसका रीजन ये है कि आज शाम को फेड की मीट है, तो फेड की मीट में आउटस्टैंडिंग पोजीशन लेके नहीं जाना चाहता कोई, तो वो फेड की मीट की वजह से आउटस्टैंडिंग को नहीं लेके जाना चाहता, वो शॉर्ट वाला नहीं लेके जाना चाहता, तो वो जो आपने बोला ना हबड़ा दबड़ी आज क्यों मच रही है, वो इस वजह से मच रही है। ओके परफेक्ट, चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर कल का सेशन रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग, अमेरिका में क्या कुछ होता है, फेड क्या कुछ कहता करता है, डाओ कैसा बंद होता है, डाओ फ्यूचर्स कैसा रहता है, एशिया सुबह कैसा खुलेगा, लेकिन इन सब के साथ भारतीय बाजारों में आज देखेंगे FIIs की खरीदारी के आंकड़े क्या फिर से दमदार आते हैं, और कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी। लेकिन कल एक अच्छी बात है, गुरुवार होने के साथ कल अच्छी बात है, कल बढ़िया है, एक काम अच्छा है कि कल एक भी FNO का रिजल्ट नहीं है, तो रिजल्ट के हिसाब से कल थोड़ी शांति बनी रहेगी। 10,140 पर बंद हुआ है निफ्टी 93 पॉइंट की तेजी के साथ, 21,241 पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी 516 की तेजी के साथ, लेकिन 21,175 के ऊपर मेरे ख्याल से क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, 21,175-21,180 बस इतनी क्लोजिंग आ जाए बहुत है, बैंक निफ्टी में क्लोजिंग कम से कम 50-60 पॉइंट नीचे, आपको 70 पॉइंट नीचे मिलनी चाहिए जो प्रोविजनल क्लोजिंग है उसके हिसाब से। तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। अच्छा, शाम का 6 बजे का कार्यक्रम बता दूं, और खास तौर से ये कार्यक्रम हमने रखा है कुणाल जी, राकेश जी और आशु सर के लिए, मतलब समझ तो गए होंगे दिल्ली वालों के लिए। तो दिल्ली वालों के लिए कार्यक्रम ये है कि यूं तो कोरोना के मरीज पूरे देश में बढ़ रहे हैं और कल 10,000 आंकड़े सामने भी आए नए मरीजों के, लेकिन दिल्ली की हालत थोड़ी चिंताजनक है, लोग परेशान हैं। एक तो वहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो रही पूरी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कोरोना के इलाज के लिए लाखों की फीस ली है, एक आध बार तो मुझे खुद बंसल जी ने भी बताया कि किस तरह से लूटा जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर बनाए हैं लेकिन वहाँ फ़ोन लगाते रहो घंटी जाती रहेगी, कोई उठाएगा ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, लोग भटक रहे, इलाज हो नहीं रहा है। आपकी खबर आपका फायदा में शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे फोकस, कोरोना के इलाज की इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि हालात कैसे ठीक हो सकते हैं। तो शाम 6 बजे ये शो ज़रूर देखिएगा, इलाज की इनसाइड स्टोरी, जी हाँ कोरोना के इलाज की इनसाइड स्टोरी आपके लिए आएगी शाम 6 बजे। तो ये है कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो आप बता सके बंसल जी, वाकई में कोरोना को लेकर दिल्ली में बड़ी दिक्कतें हो रही है क्या? अनिल जी काफी पैनिक है, और यहाँ पे अनिल जी पैनिक का आलम यह है कि अब रेजिडेंस पता कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर अनिल जी कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे खरीद में रखने के लिए अनिल जी लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, मतलब कि डाइनिंग टेबल पर खाने के समय घर पे ऐसी बातें होती हैं और हर कोई इंक्वायरी कर रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिलेगा, तो दिल्ली में अनिल जी पैनिक काफी हो रहा है। अच्छा आशु सर, अनिल जी राकेश जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन अनिल जी ने एक बहुत बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, मैं बल्कि आपसे पूछता हूँ और कुणाल जी राकेश से पूछता हूँ कि बिल्कुल दो स्कूल ऑफ थॉट हो चुके हैं इस पे, एक है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, कब तक घर पे रहेंगे, बाहर निकलना चाहिए, प्रिकॉशन तो हमेशा करना चाहिए और नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और जैसे ही दो स्टेप बाहर निकलते हैं तो अनिल जी कभी कभी रिलेटिव्स में, कभी फ्रेंड्स में, कभी अड़ोस पड़ोस में एक को होता है, तो दो स्टेप आगे जाते ही 4 स्टेप पीछे आ जाना पड़ता है,
तो ये इतनी कंफ्यूजन चल रही है कि क्या मतलब तेजी में रहना है या मंदी में रहना है, तो इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है अनिल जी, इसकी ऑप्शन तो वही है कि सिलेंडर लेके रख लो, बट आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अनिल जी इस प्रोग्राम के जरिए मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जो लोगों को हो रहा है ना कि जो होने के बाद का मतलब इवन इफ इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग बट एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको हैंडल कैसे करना, हॉस्पिटल के किस्से, धक्के खाने के हिस्से जो किस्से सुनने में आ रहे हैं, आई थिंक वो उससे लोग थोड़ा ज्यादा वरीड हो रहे हैं कि एक होता है ना कि अगर मैं रिस्क लूं भी और अगर कुछ हो भी जाए तो मेरे को मैनेज कैसे करना है। दैट मैनेजमेंट ऑफ दैट वायरस हैज बिकम सो डिफिकल्ट एज फार एज हॉस्पिटलाइजेशन इज कंसर्न, उससे बहुत लोग डरे हुए हैं। ठीक बात है, ये बात सही है कि लेकिन वही है कि अल्टीमेटली रहना पॉजिटिव साइड में ही चाहिए कि भाई ठीक है जो भी है सामना करेंगे सोच समझ कर एहतियात के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग का देखो जिंदगी तो रुकती नहीं है, चलेगी चलेगी, निकलना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। ठीक है कुछ लोगों को फैसिलिटी है कि वो घर से बैठ कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ वो है नहीं। अल्टीमेटली जब तक बाहर नहीं निकलेंगे लाइफ तो आगे बढ़ानी है, कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, ये बात साफ है। आइए इस बीच निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी वो दी है 10,116 पर, यानी कि लगभग 30-35 पॉइंट नीचे जो क्लोजिंग आई थी प्रोविजनल क्लोजिंग उससे। और बैंक निफ्टी ने देखिए 150 पॉइंट नीचे बंद आया है, मैं तो सोच रहा था 21,175 के आसपास की देगा, 75 पॉइंट नीचे होगा, लेकिन ये 75 नहीं 150 पॉइंट नीचे 21,251 ये हाईर लगभग उसी पर बंद हुआ था, लेकिन क्लोजिंग आई है 21,100 की, 150 पॉइंट का एडजस्टमेंट। तो जो आखिरी मिनट में जो तेजी करके गए वो 150 पॉइंट तो नीचे वैसे ही हो गए। चलिए देखते हैं अब क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल विदा लेने का वक्त है आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब, धन्यवाद किरण जी का भी, दिल्ली के महानुभाव आशु सर आपका भी शुक्रिया, और साथ ही जय ठक्कर और किरण जी का तो धन्यवाद कर ही चुका हूँ, जय ठक्कर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए है एक्सपायरी का कमोडिटीज़ का एक्शन, लेकिन कल है एक्सपायरी का दिन और कल बहुत कुछ एक्शन रहने वाला है। कल सुबह हमारे साथ अजय बग्गा साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे जो आपको बताएंगे फेड की मीटिंग के बाद दुनिया भर के बाजारों के लिए आपका क्या मतलब निकलता है फेड का। फेड की अहम बैठक का आज दूसरा दिन है, एक्शन उनका आएगा और उसके बाद कल जो कुछ भी होगा हमारी एक्सपायरी का एक्शन वो सब हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।